की रिस्ट एंड हैंड एनाटमी आपको पता है अच्छे से, उसकी उस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। ज्यादातर हम जो है बायोमैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू या एमएसके के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है इस ज्वाइंट पे बात करेंगे। Bone of wrist include the distal radius, distal radius होता है, और जो है आपका अल्ना होता है। उसके अलावा आपके जो है वो 8 कार्पल ज्वाइंट्स होते हैं which include scaphoid, lunate, triquetrum, pisiform, trapezium, trapezoid, leptate, hamate। ये 8 कार्पल बोन्स होते हैं और 5 मेटाकार्पल्स होते हैं और 14 फेलेंजेस होते हैं। ये सारे बोन्स मिलकर आपका रिस्ट या जो भी आपके पास 5 डिजिट फिंगर्स है उसको फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, कार्पल्स को आपका याद करने का आसान तरीका ये है कि एक सेंटेंस है, अगर वो काफी लोगों को पता भी होगा, एक सेंटेंस है वो याद करनी। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। कार्पल्स का फर्स्ट अल्फाबेट सब में देखें तो आपका जो है वो S फॉर स्कैफोइड, शी, L ल्यूनेट लुक, ट्राइकोएट्रम टू, पीसीफॉर्म प्रिटी। तो इस तरह से आप जो है उसको याद रख सकते हो कि बोन्स के नाम क्या थे, सही है। और स्कैफोइड जो है वो मतलब 2 लाइंस होती हैं कार्पल्स की। फर्स्ट रो में जो होते हैं वो 4 होते हैं, स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्राइकोएट्रम, पेसिफॉर्म, और दूसरी रो में ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हैमेट होते हैं। ठीक है, तो स्कैफोइड स्टार्ट होता है वो थंब की साइड से, मतलब रेडियल साइड से स्टार्ट होता है, जहाँ पे रेडियस होता है, रेडियस के साथ जाके लगता है। ठीक है, तो रेडियस से अल्ना एक लाइन जाएगी, फिर दूसरी लाइन, फिर दोबारा रेडियस से अल्ना की तरफ जाएगी। तो इस तरह से आप इसके नाम याद रख सकते हैं, और उसको अगर मतलब लोकेट करना है, उस बोन की मोबिलाइजेशन करनी है या उसको कुछ डायग्नोज करना है, तो आपको सरफेस एनाटमी पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वही बोन्स दिखाए गए हैं। ठीक है, रेडियस, अल्ना, रेडियस के लिए मैंने कहा रेडियस के साथ जो स्कैफोइड शुरू होता है। तो ये 4 जो है वो बोन्स कार्पल्स जो है वो रेडियल टू अल्ना की तरफ जा रहे हैं 4, फिर दोबारा ये 4 जो है वो रेडियस टू अल्ना की तरफ जा रहे हैं। तो टोटल 8 कार्पल्स बोन्स। उसके बाद आपको पता है कि रिस्ट जॉइंट पे कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं। रिस्ट जॉइंट पे फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, रेडियल डेविएशन होती है, अल्नर डेविएशन होती है। ठीक है, तो इन स्लाइड्स में जो है हर जो है मूवमेंट, मतलब कि हर मसल्स बताए गए हैं, कौन सी मूवमेंट कौन सा मसल करवाते हैं। प्राइमरी मूवर्स बताए गए, सेकेंडरी मूवर्स बताए गए। ये आप लोग काफी दिन में पढ़ चुके हो, ये याद करना होगा, इसलिए मैंने स्लाइड डाल दी थी, लोगों को याद रखनी है ये चीजें। ठीक है, कि फ्लेक्शन कौन से मसल्स करवाते हैं, एक्सटेंशन कौन करवाते हैं, रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन कौन करवाते हैं। ठीक है, तो ये रिस्ट जॉइंट मूवमेंट्स हो रही है और उसके मसल्स। थंब पे कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही है, अपोजिशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन। ये मूवमेंट हो रही है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, और मेटाकार्पो थंब पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन मूवमेंट्स हो रही है। ठीक है, और इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट्स हो रही है। तो ये उनके सारे मसल्स बताए गए हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मसल्स। सेकेंड टू 5th डिजिट, सेकेंड मतलब इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स टू 5th डिजिट जो है आपकी मेटाकार्पल जॉइंट पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन मूवमेंट्स हो रही है। ठीक है, मसल्स बताए गए हैं, और इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे आपकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है, तो उसके भी मसल्स बताए गए। ये स्लाइड्स पढ़ लीजिएगा, प्रेजेंटेशन आप लोगों को सेंड कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद ये बता रहे हैं कि रिस्ट जॉइंट पे जो है मेजर नर्व इंजरीज कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, ज्यादातर जो मेजर इंजरीज कॉमन है वहां पे वो मीडियन और अल्नर नर्व इंजरी है। ठीक है, मीडियन नर्व जो है मोस्टली कंप्रेस होती है कार्पल टनल में, और अल्नर नर्व जो है वो कंप्रेस होती है अल्नर टनल में। ठीक है, अल्नर टनल को जो है वो Gian's canal भी कहते हैं। सही है, तो ये इंजरीज बहुत कॉमन है। मीडियन जो है कार्पल टनल पे है और अल्नर जो है वो Gian's canal या अल्नर केनाल भी कहते हैं वहाँ पे। तो ये इंजरी नर्व्स की बहुत कॉमन है। इसके उसके अलावा रिफर्ड पेन की बात की जाए कि रिस्ट ज्वाइंट पे कहाँ का पेन रिफर कर सकता है, तो सर्वाइकल के C6, C7, C8 नर्व रूट का पेन जो है वो रिस्ट ज्वाइंट पे रिफर करता है, जो आपका लोअर ब्रैकियल प्लेक्सस है। स्पेशल टेस्ट जो है रिस्ट के होते हैं, काफी सारे हैं, ठीक है। नंबर 1 रिस्ट ड्रॉप टेस्ट। Wrist drop test is a wrist examination procedure used to identify the presence of the lateral epicondylitis, wrist extensor weakness, and possibly the atrophy of the area due to the long-standing brachial nerve region. Wrist drop test जो है वो lateral epicondylitis के लिए करवाया जाता है, या तो lateral epicondylitis हो या तो wrist के extensors की weakness हो। आपको पता है कि lateral epicondylitis जिसको हम tennis elbow भी कह रहे थे, उसमें यही हो रहा था कि जो लॉन्ग मसल्स हैं आपके रिस्ट जॉइंट के, जो कि ओरिजिन कर रहे हैं कि लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द एल्बो जॉइंट से, ठीक है, उनमें किसी वजह से इंफ्लेमेशन हो जाए तो वो मसल जो है अफेक्टेड होते हैं। रिस्ट के जो है वो एक्सटेंसर, लॉन्ग एक्सटेंसर मसल, तो वो वीक पड़ जाते हैं, तो उसके लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। प्रोसीजर, पेशेंट जो होगा वो सिटिंग पोजीशन में होगा, ठीक है। पेशेंट को हम बोलेंगे कि इनिशियली प्रेंग पोजीशन जो है वो पाम की उस तरह से बना लें जिसकी आप इस पिक्चर में देख रहे हो, सबसे ऊपर वाली। प्रेयर पोजीशंस में हाथ की पोजीशंस को रखें, ठीक है। देन हम पेशेंट्स को कहते हैं कि अब जो है वो अपने पाम्स को एक दूसरे से दूर करें अबाउट 15 सेंटीमीटर, ठीक है, जैसे ये सेकंड फिगर में आप देख रहे हो मिडिल वाली में, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या होगी? प्रेंग पोजीशन होगी। देन हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपने हाथ या पाम्स जो है वो एक दूसरे से दूर करें अबाउट 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मिडिल वाली फिगर को आप देख रहे हो, तो उस पोजीशन में रिस्ट जो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में है, और इसी पोजीशन में हम पेशेंट को कहते हैं कि आपको 1 मिनट जो है वो होल्ड करके रखना है, और हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं रिस्ट की मूवमेंट को या रिस्ट जॉइंट पोजीशन को, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो रिस्ट एक्सटेंड नहीं कर पाए, उस पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाता और रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, फ्लेक्सन की तरफ चला जाता है, या फिर हमें अगर लैगिंग साइन मिल रही है, मतलब कि पेशेंट का हाथ जो है वो जैसे कि शिवर कर रहा होता है, तो ऐसी कोई साइन मिलती है तो हम कहते हैं कि रिस्ट के एक्सटेंसर्स वीक हैं या फिर वहां पे लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो 1 मिनट होल्ड करवाना पूरा बहुत जरूरी है। पूरा 1 मिनट जो है आप होल्ड करवाएंगे और जो है रिस्ट की मूवमेंट्स को नोट करेंगे, ठीक है। और तो हम कहते हैं कि लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस या फिर रिस्ट एक्सटेंसर्स की वीकनेस हो सकती है। समटाइम हमें जो है वो रिस्ट जॉइंट पे एट्रोफी, मस्कुलर एट्रोफी भी मिल सकती है। अगर हमें साथ-साथ मस्कुलर एट्रोफी मिल रही है तो आप समझ जाइए कि वहां पे कोई क्रोनिक रेडियल नर्व पैल्सी है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म जो है वो रेडियल नर्व पैल्सी रहती है तो वहां पे मसल्स जो है वो एट्रोफी में चले जाते हैं, तो अगर आपको वो मिल रही है तो ये समझ जाइए कि वहां पे रेडियल नर्व रीजन हो सकता है, और वो भी क्रोनिक, ठीक है। उसके बाद है टनल टेस्ट। टनल टेस्ट की बात मैंने आपको पहले भी कही थी। टनल टेस्ट जो है पर्टिकुलर वैसे तो होता है नर्व न्यूरोपैथी को चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए होता है, लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर नर्व के लिए नहीं है। बॉडी में किसी भी नर्व की अगर डायग्नोसिस करनी है तो आप वहां पे उसकी टनल टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। टनल टेस्ट में हम बेसिकली करते क्या है कि नर्व जहाँ से गुजर रही है तो नर्व को हम जो है फिंगर से टैप करते हैं या रिफ्लेक्स हैमर जो आता है उससे टैप करते हैं, ठीक है। तो नर्व को हम जो है वो प्रोवोक कर रहे होते हैं, तो अगर हमें पॉजिटिव साइन मिलता है तो हम कहते हैं कि टनल टेस्ट पॉजिटिव है। तो किसी भी नर्व के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। रिस्ट जॉइंट की बात की जाए तो मैंने कहा था कि मीडियन और अल्नर नर्व इंजरी बहुत कॉमन है, तो मीडियन नर्व इंजरी के लिए भी टनल टेस्ट किया जाता है, अल्नर नर्व की इंजरी के लिए या कंप्रेशन के लिए भी टनल टेस्ट किया जाता है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि मीडियन नर्व कार्पल टनल से होके गुजर रही है, ठीक है। तो अगर मीडियन नर्व को चेक करना है तो कार्पल टनल पे टैप करोगे फिंगर से या रिफ्लेक्स एमआई से, जिससे भी आप करें, ठीक है। और अगर अल्नर नर्व को चेक करना है तो अल्नर नर्व पे जो है वो टैपिंग करोगे, क्योंस केनाल जो मैंने बताई थी कि वहां से अल्नर नर्व गुजर रही है और वहां पे कंप्रेस होती है मोस्टली, आप वहां पे टैप करोगे, ठीक है। अगर मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही होगी कार्पल टनल में तो आपको मीडियन नर्व जो कंप्रेशन के सारे सिम्टम्स मिलेंगे कि थंब, इंडेक्स फिंगर वगैरह में आपको नमनेस, शूटिंग पेन, पैरेस्थीसिया, ठीक है, ये सारी चीजें मिलेंगी। और अगर अल्नर नर्व कंप्रेस्ड होगी तो आपको लिटिल फिंगर की तरफ वो सारे सिम्टम्स मिलेंगे, जहाँ जिस नर्व का कोर्स है आपको वहां पे वो नर्व सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है। वही है, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा और एग्जामिनर जो है वो रिफ्लेक्स हैमर या फिंगर टिप्स से अल्नर या कार्पल टनल पे टैप करेगा और चेक करेगा कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। ये फिंगर से जो है वो टैप कर रहे हैं। ये वही बताया गया कि पॉजिटिव के टेस्ट किस तरह से, ठीक है। ये हो गई टनल टेस्ट हो गई। नेक्स्ट इज ब्रिंगिंग टेस्ट। Bringing test is a general wrist examination procedure used to detect the carpal tunnel syndrome, epicondylitis, arthropathy as a result of a sprain or strain. The ringing test may also be used to find during examination error. Ringing test जो है वो carpal tunnel को diagnose करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, use की जाती है, या तो फिर epicondylitis, ठीक है। पहले वो लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस हो या मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस हो, दोनों के लिए जो है ये वाला टेस्ट यूज किया जाता है। और जो है रिस्ट या एल्बो जॉइंट के स्प्रेन और स्ट्रेन को जो है वो डायग्नोस करने के लिए रिंगिंग टेस्ट किया जाता है, ठीक है। होगा वो सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में होगा और पेशेंट के हाथ में हम टॉवेल या कोई भी कपड़ा दे देते हैं, ठीक है। और उनको कहते हैं कि कपड़े या टॉवेल के दोनों एंड्स जो है वो हाथ में पकड़ के टॉवेल्स को उसको जो है वो क्या कहते हैं, उसको घुमाना है, निचोड़ना है, ट्विस्ट, आप इस फिगर में देख रहे हो, ठीक है। टॉवेल के दोनों एंड पेशेंट के हाथ में पकड़ा देंगे और उसको कहना है कि उसको टॉवेल को पूरा मोड़ना है, ठीक है, जिससे हम कपड़े निचोड़ते हैं द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। हाथ अगर इस तरफ निचोड़ेगा तो दूसरा जो है वो उस तरफ निचोड़ेगा, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में हम पेशेंट को कहते हैं कि उसको उसको मोड़ना है कपड़े या टॉवेल को, ठीक है। और हम चेक कर रहे होते हैं कि हमें पेशेंट पे क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं, कोई पेन या कोई और जो है सिम्टम्स मिलते हैं तो हम उसको जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अगर पेशेंट कहता है कि उसको जो है वो नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, शूटिंग इलेक्ट्रिकल पेन, ठीक है, ये सारे नर्व सिम्टम्स आ रहे हैं मीडियन नर्व की कोर्स पे, ठीक है। मीडियन नर्व की कोर्स पे अगर आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है। अगर पेशेंट जो है वो एल्बो जॉइंट पेन की कंप्लेन करता है ड्यूरिंग द टेस्ट तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि इसको या तो एपिकॉन्डिलाइटिस हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि अगर उस लेटरल एल्बो पेन की कंप्लेन कर रहा है तो हम कहते हैं कि लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस है, मीडियल साइड पेन की कंप्लेन करता है तो हम कहते हैं कि मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस हो सकता है या कोल्फर एल्बो जिसको कहते हैं, ठीक है। और रिस्ट स्प्रेन या स्ट्रेन भी हो सकता है, रिस्ट जॉइंट पे होगा तो रिस्ट पे पेन की कंप्लेन करेगा, एल्बो पे होगा तो एल्बो पे पेन की कंप्लेन करेगा। तो ये एक जनरल टेस्ट है जिसमें काफी सारी चीजें जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इनिशियली मैं कहती हूँ ना कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो फास्ट टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो इनिशियली आप करते हो। तो इनिशियली आप ये वाला टेस्ट करवा सकते हो, आपको अंदाजा होगा अगर तो उसको नर्व सिम्टम साइंस आ रहे हैं तो आप फर्दर टेस्ट कार्पल टनल वाले ही करोगे, ठीक है। टनल टेस्ट हो गया और फैलन टेस्ट होता है, वो अभी आगे सिखाऊंगी, वो कार्पल टनल के पर्टिकुलर कार्पल टनल के टेस्ट, तो आप उसकी तरफ जाओगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि पेशेंट को एल्बो पेन आ रहा है या रिस्ट पेन मतलब एपिकॉन्डिलाइटिस की वजह से आ रहा है तो आप फिर आप एपिकॉन्डिलाइटिस या टेनिस, गोल्फर एल्बो जो भी है उनके टेस्ट की तरफ आगे बढ़ोगे, तो इससे आपकी डायग्नोसिस इजी हो सकती है। कुछ टेस्ट इस तरह से होते हैं तो इनिशियली आपको ये करवाओगे तो आपके लिए ज्यादा इजी सही। इसके बाद फ्रैक्चर टेस्ट, स्टिफाइड जो कार्पल बोन है आपका, कार्पल बोन में सबसे ज्यादा जो स्टिफाइड का फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, ठीक है। जो रेडियल के मैंने कहा कि रेडियल बोन के साथ जो है वो स्टार्ट होता है स्टिफाइड बोन, इसका फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। Scaphoid fracture test is the risk examination procedures that determines the existence of the scaphoid fracture. Scaphoid fracture is most commonly fractured carpal. Okay, नीचे इस टेस्ट की sensitivity और specificity बताई गई है कि कितना जो है ये टेस्ट मतलब के मतलब सही होता है अगर आप करवाओ। पेशेंट विल बी इन द सिटिंग पोजीशन, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा और एग्जामिनर जो है वो पेशेंट के थंब को ग्रिप करेगा और एंड प्लेसेस द प्रेशर ओवर द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है। स्नफ बॉक्स अभी आपने वीडियो में देखा, ये स्नफ बॉक्स कहाँ पे होता है, तो मसल्स टेंडन के बीच का जो एरिया होता है, ठीक है, वहां पे स्कैफॉइड बोन होता है नीचे, तो वहां पे स्नफ बॉक्स मतलब स्कैफॉइड बोन के एरिया पे जो है वो प्रेशर अप्लाई करेगा अपने थंब से और जो है नोट करेगा कि पेशेंट को कोई पेन या कोई डिस्कम्फर्ट फीलिंग नहीं आ रही, ठीक है, जैसे आप ये देखते हैं, ठीक है। एक हाथ से जो है वो हैंड को होल्ड किया हुआ है और दूसरे हाथ से जो है वो थंब से जो है वो स्नफ बॉक्स पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है थेरेपिस्ट, और हम देखते हैं पेशेंट को पेन या डिस्कम्फर्ट फीलिंग नहीं आ रही, ठीक है। अगर पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है, सीवियर पेन की कंप्लेन, ठीक है, तो हम कहेंगे इसके फाइट का फ्रैक्चर। और अगर हमें पॉजिटिव टेस्ट मिलती है तो फर्दर हम जो है वो फिर उसको रेडियोलॉजी मतलब के एक्सरे वगैरह की तरफ जो है वो रेफर करते हैं कि उसको एक्सरे करवाना चाहिए या नहीं करवाना। तो इसके फ्रैक्चर टेस्ट ये आपके काम आएगी क्योंकि बहुत कॉमन है इसका फ्रैक्चर। स्वेटर साइन टेस्ट या जर्सी टेस्ट, इसकी भी बात वीडियो में की गई। स्वेटर साइन टेस्ट जो है वो करवाते हैं, इट इज अ रिस्क एग्जामिनेशन प्रोसीजर फॉर द रप्चर ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस टेंडन, ठीक है। अगर फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस टेंडन का टेंडन जो है रप्चर हो जाता है तो उसके लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। दिस टेंडन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्शन ऑफ द मिडिल प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, इट आल्सो फ्लेक्सेस द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एज वेल एज द रिस्ट जॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए स्वेटर या जर्सी साइन जो है वो करवाया जाता है। स्वेटर या जर्सी साइन इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये इंजरी जो है वो नोट करी गई थी जब एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर की स्वेटर या जर्सी को पकड़ने की कोशिश की थी, ठीक है, तो उसकी जो है वो इस टेंडन का जो है वो रप्चर हो गया था जिसके नतीजे में ये इंजरी हुई थी, इसलिए उसका नाम जो है जर्सी या स्वेटर टेस्ट या स्वेटर साइन पड़ा था, ठीक है। पेशेंट जो होगा वो सिटिंग पोजीशन में भी हो सकता है, स्टैंडिंग पोजीशन में भी हो सकता है। एग्जामिनर जो है वो पेशेंट को बोलेगा कि उसको एक टाइट फिस्ट जो है वो बनानी है, ठीक है, मुट्ठी बंद करनी है, फिस्ट बनानी है। द एग्जामिनर चेक्स द वे द फिंगर्स आर फ्लेक्स्ड एंड टेक नोट ऑफ एनी डिफिकल्टी इन बेंडिंग एंड रेजिंग। पेशेंट को हम बोलेंगे कि सिंपली उसको जो है वो फिस्ट बनानी है और हम नोट कर रहे होते हैं कि पेशेंट किस तरह से फिंगर्स को फ्लेक्स करके मतलब फिस्ट बना रहा है, ठीक है। हम फिंगर्स पूरी फिंगर्स की मतलब फ्लेक्शन को नोट कर रहे होते हैं एट एवरी जॉइंट, ठीक है। ये जो है आपका मसल जो है फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, ये जो है फ्लेक्शन करवाता है, मैंने कहा था आपके प्रॉक्सिमल, मिडल और जो है मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट और आपके रिस्ट जॉइंट की फ्लेक्शन, ठीक है। सेकंड टू फिफ्थ फिंगर की करवाता है, थंब की नहीं करवाता, सेकंड टू फिफ्थ फिंगर की करवाता है। तो आप चारों जो है फिंगर्स आपकी इंडेक्स, मिडिल, रिंग और लिटिल फिंगर, उनकी मूवमेंट को नोट करेंगे जब पेशेंट जो है फिस्ट बना रहा है, ठीक है। पॉजिटिव साइन इस तरह से होगी, अगर आप पेशेंट को बोलते हो कि फिस्ट बनाए तो उसको डिफिकल्टी होगी फ्लेक्शन, मतलब कोई ना कोई जो है फ्लेक्शन में डिफिकल्टी होगी, जैसे अभी आप इस मिडिल फिंगर में नोट कर रहे हो। पेशेंट बाकी सारे फिंगर्स तो प्रॉपर्ली फ्लेक्स कर पा रहा है, लेकिन मिडिल फिंगर का जो है वो इंटरफैलेंजियल जॉइंट को जो है वो प्रॉपर्ली फ्लेक्स नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि मिडिल फिंगर पे जो है आपको ये साइन मिले, आपको इंडेक्स, मिडिल, लिटिल, रिंग फिंगर, इन चारों में से किसी पे भी ये साइन मिल सकता है क्योंकि ये चारों को जो है वो इस मसल का फंक्शन जो है चारों फिंगर्स पे। There is a positive stator sign when the patient is having difficulty bending the proximal finger and the distal phalanx. This could indicate the rupture of the flexor digitorum superficialis tendon. ठीक है, ठीक है, वही बात बताई गई कि इसको जर्सी फिंगर नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, लास्ट में एक पॉइंट लिखी गई है कि पॉजिटिव स्टेटस साइन शुड बी फॉलोड बाय द डायग्नोस्टिक इमेजिंग टू रूल आउट एन एवल्जन फ्रैक्चर। अगर स्टेटस साइन पॉजिटिव मिलती है तो ये भी हो सकता है कि रप्चर टेंडन रप्चर तो हुआ है, लेकिन जहाँ पे उसकी इंसर्शन है इस बोन पे, हो सकता है उस बोन का पार्ट ही जो है वो फ्रैक्चर हो गया हो, जैसे एवल्जन फ्रैक्चर में होता है। तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव मिलती है तो आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि हो सकता है वहाँ पे एवल्जन फ्रैक्चर हुआ हो। अगर टेंडन रप्चर हुआ है तो उसको आप फर्दर जो है उसी हिसाब से डायग्नोसिस की तरफ लेके जाओगे, उसको एक्सरे वगैरह करवाओगे, प्रिकॉशनली मतलब बहुत केयरफुली जो है उसको हैंडल करोगे, फ्रैक्चर हो सकता है वहाँ पे। टॉर्निक्वेट टेस्ट। द टॉर्निक्वेट टेस्ट इज द रिस्ट एग्जामिनेशन प्रोसीजर टू detect compressive neuropathy of the median nerve or the posterior interosseous nerve. It is one of the proactive test for the carpal tunnel syndrome. ठीक है, tourniquet test जो है वो दो nerves के लिए करवाई जाती है, median nerve और posterior interosseous nerve। इसको diagnose करने के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। patient जो होगा वो sitting position में होगा। examiner जो है या तो अपने हाथ से patient की wrist को compress कर सकता है, या तो फिर जो BP apparatus का cuff होता है उसके थ्रू। ठीक है, दो तरीके हैं। अगर एग्जामिनर हाथ से कर रहा है तो वो अपनी जो है वो मिडिल फिंगर और जो है वो थंब को जो है वो टाइटली जो है एक दूसरे से टुकड़े मिला के इसको पूरी तरह से कंप्रेस करेगा फॉर द 3 मिनट्स। ठीक है, और अगर ब्लड प्रेशर कफ यूज कर रहा है, एक फिगर देख लें आप लोगों को आसानी होगी समझने में। ठीक है, फर्स्ट फिगर में थेरेपिस्ट अपने हाथ से कंप्रेस कर रहा है रिस्ट को, सेकंड फिगर में जो है वो बीपी एप्रेटस कफ से, दोनों से जो है कंप्रेस कर सकते हैं। बेसिकली हमें कंप्रेशन प्रोवाइड करनी होती है रिस्ट जॉइंट पे। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। और अगर कफ यूज कर रहा है, बीपी एप्रेटस कफ यूज कर रहे फॉर द कंप्रेशन, तो उसके लिए आपको जो है वो जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो बीपी एपरेटस कफ में इन्फ्लेटेड जो है बल्ब से, वो 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द ब्लड प्रेशर कफ शुड नॉट बी इन्फ्लेटेड मोर देन 20 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी। ठीक है, तो उससे ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। और दोनों में ही, भले हाथ से कर रहे हैं या कफ से कर रहे हैं, दोनों में ही पूरे 3 मिनट तक कंप्रेशन को होल्ड करके रखना है। होल्ड करोगे और देन नोट करोगे कि पेशेंट में आपको क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं, कोई नमनेस, टिंगलिंग, शूटिंग पेन, जो भी नर्व साइंस है आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, और अगर आपको ये सारे साइन मिल रहे हैं तो हम कहते हैं कि टेस्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिव टॉर्निक्वेट टेस्ट व्हेन देयर इज अ पैरेस्थीसिया और नमनेस, टिंगलिंग और शूटिंग पेन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। मसल वीकनेस कुड आल्सो बी द पॉजिटिव साइन। ठीक है, हो सकता है कि आपको पैरेस्थीसिया नमनेस के बजाय मसल वीकनेस मिले। ठीक है, जब आप कंप्रेस करें तो पेशेंट जो है उस मतलब रिस्ट की मूवमेंट या हैंड की मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो वीकनेस आपको मिले मसल्स की, तो वो भी इंडिकेट कर रही होती है मीडियन नर्व या पोस्टीरियर इंटरॉस्टियस नर्व की इंजरी या कंप्रेशन। थंब ग्राइंड टेस्ट, ये आपको वीडियो में भी दिखाई गई कि थंब ग्राइंड टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, थंब ग्राइंड टेस्ट इज द रिस्ट एग्जामिनेशन प्रोसीजर दैट आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ द ट्रेपेजियोमेटाकार्पल आर्थराइटिस और डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। द टेस्ट असिस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द थंब कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, थंब का जो कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है, इसको ट्रेपेजियोमेटाकार्पल जॉइंट भी कहा जाता है, उसकी आर्थराइटिस या उसमें डिजेनरेटिव जो है वो चेंजेस जो है बहुत कॉमन है। ठीक है, उसकी स्तंभ की जो है वो मेटाकार्पोपेलेंजियल कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट की जो है वो आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, तो उसके लिए हम जो है वो थंब ग्राइंड टेस्ट करवाते हैं। करेंगे क्या हम, पेशेंट जो होगा वो सिटिंग पोजीशन में होगा, एग्जामिनर ग्रिप करेगा पेशेंट के थंब को और जो है वो पेशेंट की रिस्ट और थंब को जो है वो प्रॉक्सिमल थंब को स्टेबलाइज कर लेगा, एक हाथ से दूसरे हाथ से जो है पूरे थंब को जो है ग्रिप करेगा और थंब को जो है सर्कमडक्शन मूवमेंट भी कर रहा होता है और साथ साथ कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जो है वो कंप्रेशन भी दे रहा होता है। और हम चेक करते हैं पेशेंट में कोई पेन या कोई प्रेप्टस साउंड तो हमें फील नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो, एक हाथ से रिस्ट को जो स्टेबलाइज किया हुआ है और यहाँ पे थंब प्रॉक्सिमल थंब जो है कार्पल बोन्स को आप कह सकते हो उसने स्टेबलाइज किया है, दूसरे हाथ से थंब को होल्ड करके सर्कमडक्शन मैनर में भी मूव कर रहे हैं और साथ साथ नीचे की तरफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की तरफ कंप्रेशन भी दे रहे हैं। तो ऐसा करने से अगर पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है या आपको साउंड सुनाई दे रहे हैं, क्रिप्टस साउंड सुनाई दे रहे हैं, तो हम कहते हैं टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर द आर्थराइटिस डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ द कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट ऑफ द थंब, ठीक है। Next is the thumb abduction test. Thumb abduction stress test is the wrist examination procedure that determines the hyperabduction or hyperextension injury condition known as the gamekeeper's thumb or scared thumb. This test can also be used to identify the severe sprain or the joint instability. Thumb abduction test जो है वो इसकी examination के लिए use की जाती है अगर वहां पे जो है इंजरी हुई है ड्यू टू हाइपर अब्डक्शन या हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर अब्डक्शन हाइपर एक्सटेंशन की वजह से अगर थंब में जो है वो इंजरी हुई है तो उसके लिए थंब अब्डक्शन टेस्ट दिया जाता है। इसको अगर हाइपर एक्सटेंशन या हाइपर अब्डक्शन की वजह से कोई इंजरी होती है थंब में तो हम उसको गेम कीपर्स थंब या स्कैर थंब इंजरी भी कहते हैं। पेशेंट जो होगा वो सिटिंग पोजिशन में होगा। The examiner gripped the thumb of the affected hand while stabilizing the metacarpophalangeal joint. The thumb is abducted and the patient is assessed for the pain, excessive motion and empty and feel. ये भी वीडियो में टेस्ट था। पेशेंट पोजीशन वही है जैसे कि हम पिछली वाले टेस्ट में कर रहे थे। एक हाथ से उसने जो है वो कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट जैसे स्टेबलाइज कर लिया है थंब को और रिस्ट को, ठीक है। एक हाथ से दोनों को ही जो स्टेबलाइज कर लिया जैसे आप देख रहे हो इस हाथ से स्टेबलाइज किया हुआ है, दूसरे हाथ से थंब को ग्रिप किया हुआ है और उसको अब्डक्शन में लेके जा रहा है, ठीक है। थंब को जो है फर्दर अब्डक्शन की तरफ लेके जा रहा है, फुल अब्डक्शन की तरफ। और हम पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट को कोई पेन तो नहीं फील हो रहा या फिर हमें हाइपर मोबिलिटी तो नहीं मिल रही, ठीक है। ये भी देखोगे कि थंब जो है वो अपनी एक अब्डक्शन होती है नॉर्मल रेंज, ठीक है, वहां तक जा रहे हैं, उससे ज्यादा जा रहे हैं, हाइपर मोबिलिटी तो नहीं मिल रही। ये दोनों चीजें ठीक करेंगे। एम्प्टी एंड फील भी इसी को ही कहते हैं। एम्प्टी एंड फील, एंड में आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं फील हो रहा, क्योंकि एक एंड रेंज पे आपको मतलब एक लिमिट होती है, जैसे अब्डक्शन जा रही है थंब की तो एक लिमिट है, उसके बाद आप नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन अगर लिगामेंट्स जो उसको रोक रहे हैं अपनी लिमिट से ज्यादा जाने से, अगर वो लिगामेंट्स किसी वजह से या टेंडन्स किसी वजह से रप्चर हो जाते हैं तो आपको वो एंड में रेजिस्टेंस नहीं फील होगा, तो मतलब हाइपर मोबिलिटी मिलेगी, तो उसको हम एम्प्टी एंड फील कहते हैं। टेस्ट विल बी पॉजिटिव व्हेन द पेशेंट एग्जिबिट्स द फॉलोइंग साइंस। नंबर 1, देयर इज द पेन ओवर द अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द थंब। दिस कुड इंडिकेट्स द स्प्रेन ड्यू टू द हाइपर अब्डक्शन और हाइपर एक्सटेंशन इंजरी, ठीक है। या तो पेशेंट को पेन होगा ओवर द अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द थंब, थंब की बात हो रही है, ठीक है, बाकी फिंगर्स की बात नहीं हो रही है, थंब एब्डक्शन टेस्ट। अगर थंब के अल्नर कोलेटरल लिगामेंट पे पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो ये जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि स्प्रेन हो सकता है। जो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है वो उसका स्प्रेन या रप्चर हो सकता है अगर अल्लर कोलेटरल लिगामेंट पे पेन की कंप्लेंट है। द पेशेंट डिस्क्राइब्स एम्प्टी फील, मतलब हाइपर मोबिलिटी अगर आपको मिल रही है, एक्सेसिव मोशन मिल रही है थंब पे एबडक्शन की, दिस कुड इंडिकेट द सीवियर स्प्रेन। मतलब के सीवियर स्प्रेन में क्या होता है कि टेंडन का टियर तो होता है लेकिन वो सीवियर डिग्री में होता है, स्प्रेन बहुत ज्यादा होगा और जो है ज्वाइंट बिल्कुल अनस्टेबल होगा और उसको स्टेनर लीजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, ये थंब है, थंब है तो फेलेंजिस के दरमियान यहाँ पे अल्नर कोलेटरल लिगामेंट होता है, ठीक है। तो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट अगर किसी वजह से रप्चर या टियर हो जाए, ठीक है, तो जो है वो आपको ये वाला टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि अल्नर कोलेटरल लिगामेंट किस जगह पे होता है। अगर पेशेंट यहाँ पे जहाँ पे अल्नर कोलेटरल लिगामेंट मौजूद है इस जगह पे पेन की कंप्लेंट कर रहा है तो ड्यूरिंग दिस टेस्ट तो हम कहते हैं कि अल्नर लिगामेंट का स्प्रेन हो सकता है या फिर रप्चर हो सकता है, ठीक है। स्टेनर लीजन, स्टेनर लीजन क्या होता है आपका कि यहाँ से आपका एक मिनट, इट अकर्स व्हेन द एपिन्यूरोसिस ऑफ द एडक्टर पॉलिसिस मसल्स बिकम इंटरपोज्ड बिटवीन द रप्चर्ड अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। अगर ये जो मसल है, ठीक है, रेड वाला इस फिगर में, दैट इज द एबडक्टर पॉलिसिस मसल, ठीक है। अगर एबडक्टर पॉलिसिस मसल का एपिन्यूरोसिस, दिस इज एपिन्यूरोसिस ऑफ द एबडक्टर पॉलिसिस मसल, अगर एपिन्यूरोसिस ऑफ एबडक्टर पॉलिसिस मसल बिकम इंटरपोज्ड, ठीक है, वो जो है इसके बीच में आ जाए, ये अगर ये अल्नर कोलेटरल लिगामेंट रप्चर हुआ है इसके बीच में ये मसल का एपिन्यूरोसिस जाके फंस जाए दोनों मतलब ब्रोकन एंड्स के बीच, तो जो है इसमें जो है फर्दर मतलब स्प्रेन सीवियर हो जाता है, ज्वाइंट और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, पेशेंट में आपको बहुत ज्यादा मतलब सीवियर सिम्पटम्स मिलेंगे और इस इंजरी को स्टेनर साइन कहा जाता है या स्टेनर रीजन कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए थंब एबडक्शन टेस्ट करवाएंगे और स्टेनर रीजन होती है तो आपको हाइपर मोबिलिटी मिलती है, एबडक्शन जो है बहुत ज्यादा जो है वो मिलेगी आपको, लिमिट से ज्यादा मिलेगी, हाइपर मोबिलिटी मिलेगी थंब एबडक्शन की। रिवर्स फैलन टेस्ट, रिवर्स फैलन टेस्ट जो है वो कार्पल टनल सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल किया जाती है। पेशेंट जो होगा वो सिटिंग पोजीशन में होगा विद द रिस्ट एक्सटेंडेड, द पेशेंट शुड हैव द पाम ऑफ द हैंड्स टुगेदर लाइक इन द प्रेंग पोजीशन विद द एल्बो हाई, ठीक है, पेशेंट इस पोजीशन में होगा प्रेंग पोजीशन, ठीक है। और हमें पेशेंट को बोलना है कि उसको जो है वो आपस में फिंगर्स की टिप्स भी मिली हुई होनी चाहिए, ठीक है। टिप्स जब मिल जाएंगी, टिप टू टिप दोनों हाथों की फिंगर्स मिलानी है और नीचे से रिस्ट जॉइंट को भी मिलाना है, ठीक है। दोनों का कांटेक्ट जो है वो कनेक्शन मेंटेन होना चाहिए, टिप्स का भी और नीचे से पाम का भी, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ से टिप्स का भी जो है वो कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए और यहाँ से पाम का भी, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट फुल एक्सटेंड नहीं कर पाता, सिर्फ टिप्स को जो है मिला लेता है, पाम्स जो है आपस में नहीं मिलाता, तो इससे आपको टेस्ट के सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। टिप्स भी प्रॉपरली जो है वो कांटेक्ट में होनी चाहिए और नीचे से पाम भी। और पेशेंट को बोलना है कि इस पोजिशन को 1 मिनट के लिए मेंटेन करके रखें, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जामिनर जो है या फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो पैसिवली रिस्ट को एक्सटेंड करें, दोनों तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर भी जो है वो पैसिवली जो एक्सटेंड कर रहा है वो भी 1 मिनट के लिए करेगा, ठीक है। तो ये तरीके हो सकते हैं, एक मॉडिफाइड टनल टेस्ट कहलाती है। वो आगे, ठीक है, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो पेशेंट खुद प्रेंग पोजीशन में जाके मेंटेन करे टिप और पाम कनेक्शन को, ठीक है, एक्सटेंडेड पोजीशन में फॉर द 1 मिनट, या तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो पैसिवली एक्सटेंड करवाए रिस्ट को, ठीक है। अगर एक मिनट होल्ड करते हुए पेशेंट जो है वो नमनेस, टिंगलिंग, जो भी नर्व साइंस है उसकी कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि मीडिया नर्व जो है वो डिस्टर्ब हो रही है या कार्पल टनल सिंड्रोम जो है हो सकता है। उसके अलावा पेशेंट एंटीरियर रिस्ट पेन की भी कंप्लेन कर सकते हैं, तो भी हम बोलेंगे कि टेस्ट पॉजिटिव है, या फिर हो सकता है आपको थम की मूवमेंट की वीकनेस मिले, स्पेशली अपोजिशन, ठीक है, तब भी हम कहते हैं कि पेशेंट को जो है वो कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। Next is the pinch grip test. Pinch grip test is examination procedure that assesses the muscle weakness of the anterior neuropathy, which is the basically a pinch grip test जो है वो anterior interosseous nerve के लिए करवाई जाती है। Anterior interosseous nerve आपको पता है it is the branch of the median nerve, ठीक है, तो अगर anterior interosseous nerve किसी वजह से involved होती है तो उसके लिए ये वाला टेस्ट करवाया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं इस टेस्ट को जो है वो करने के, डिफरेंट तरीकों से की जाती है। या तो हम ये कर सकते हैं पेशेंट सिटिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन किसी में भी हो सकता है, ठीक है। टेल द पेशेंट टू पिंच द इंडेक्स फिंगर टुगेदर, ठीक है, जैसे ओके साइन हम बनाते हैं ना, कि पेशेंट को बोलेंगे कि थंब और इंडेक्स फिंगर की दोनों टिप्स को आपस में मिलाने की कोशिश करें, ओके साइन बनाने की कोशिश करें, और जो है वो थेरेपिस्ट जो है वो उनको फिंगर्स को आपस में मिलने से या टिप को आपस में मिलने से रेजिस्ट कर रहा होता है, उसको रोक रहा होता है, ठीक है, और हम देखेंगे पेशेंट में कोई वीकनेस तो नहीं आ रही या फिर वो प्रॉपरली टिप टू टिप मिला पा रहा है या नहीं मिला पा रहा। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो पेशेंट जो है वो थंब और इंडेक्स फिंगर्स की टिप्स को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और थेरेपिस्ट जो है उसको रोक रहे हैं। अगर हमें पेशेंट इस टेस्ट के दौरान पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है या फिर जो है पेशेंट टिप टू टिप मूवमेंट नहीं कर पाता, आपस में फिंगर्स नहीं मिला पाता, तो हम कहते हैं कि पेशेंट को जो है वो एंटीरियर इंटरॉशियस नर्व जो है वो अफेक्टेड है, ठीक है। तो फर्दर हम उसकी एनसीवी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट करवा सकते हैं, तो नर्व्स को फर्दर डायग्नोस करने के लिए कि नर्व जो है वो कहाँ पे कंप्रेस हो रही है और कितनी डिग्री कंप्रेस हो रही है। अच्छा, फैलिन टेस्ट। फैलिन टेस्ट भी जो है वो कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए इस्तेमाल की जाती है। दिस टेस्ट इज नोन एज द मोस्ट प्रोएक्टिव टेस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा यही टेस्ट इस्तेमाल होती है अगर कार्पल टनल सिंड्रोम होना, तो सबसे ज्यादा आप लोग देखोगे ना ये वाली टेस्ट सबसे ज्यादा यूज होती है। आपको पता है ये नहीं की बात की कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों होता है, आपको पता है क्यों होती है कि जब रिस्ट जॉइंट में कार्पल टनल मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है तो जो है कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, उससे क्या सिम्टम्स मिलते हैं, ठीक है। पेशेंट जो होगा वो सिटिंग या स्टैंडिंग पोजिशन में होगा, ठीक है। फैलिन टेस्ट जो है वो बात हो रही थी कि फैलिन टेस्ट जो कार्पल टनल के लिए होते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि अपने बैक ऑफ द हैंड्स जो है वो आपस में जो है वो लाके रखे, लाइक दिस, जैसे सब फिगर में दिख रहा है कि बैक ऑफ द हैंड्स आपस में जो है वो कनेक्ट करके कॉन्टेक्ट में लाके इस पोजीशन को 8 मिनट तक होल्ड करके रखना है, ये फर्स्ट वाली पोजीशन, ठीक है। इसमें रिस्ट जो है वो फुली फ्लेक्स्ड है। इस पोजीशन में पेशेंट को कहना है कि 1 मिनट के लिए उनको ये पोजीशन मेंटेन करके रखनी है, या तो फिर थेरेपिस्ट पैसिवली रिस्ट को फ्लेक्स भी कर सकता है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये पेशेंट खुद कर रहा है, ये और करवाता है थेरेपिस्ट, तो भी 1 मिनट तक होल्ड करके रखना होता है, और हम नोट कर रहे होते हैं पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर पेशेंट इस टेस्ट के दौरान मीडियन नर्व कोर्स पे जो भी जा रहे थंब, इंडेक्स फिंगर, वहां पे पैरेस्थीसिया, नमनेस वगैरह की कंप्लेन करता है, तो हम कहते हैं कि टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। और एक मतलब जो थेरेपिस्ट करवा रहा है ना पैसिवली, दो तरीके से, एक तो सिंपली ये है तो उसने जो है वो यहाँ से रिस्ट स्टेबलाइज करके, मतलब यहाँ से डिस्टल फोरआर्म से स्टेबलाइज करके फ्लेक्शन में लेके गए। दूसरा मॉडिफाइड फैलिन टेस्ट ये होती है, तरीकेकार बिल्कुल सेम है, उसी पोजीशन में होगा, लेकिन एक चीज क्या कर रहा है थेरेपिस्ट यहाँ पे, उसने पैसिवली फ्लेक्स तो करवा रहा है रिस्ट को, लेकिन यहाँ से जो है वो प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से मीडिया नर्व गुजर रही है ना रिस्ट जॉइंट पे, तो यहाँ से अपने साथ से जिस साथ से उसने स्टेबलाइज किया हुआ है यहाँ से फिंगर प्रेस भी कर रहा है, इस एरिया को प्रेशर भी दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि नर्व को फर्दर प्रेशर पड़ रहा होता है नर्व के ऊपर। एक तो यहाँ से आप उसको फुल फ्लेक्स जब कर रहे हो तब भी कार्पल टनल पे जो है वो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा प्रेशर उसको और वो फर्दर जो है वो इरिटेट कर रहा है नर्व को और कंप्रेशन देके। तो दिस इज द मॉडिफाइड फैलन टेस्ट। तो इस तरह से भी कर सकते हो एक ही चीजें, अगर आपको सिम्टम्स इसमें मिल जाते हैं, पेशेंट ये कर रहा है या सिर्फ आपको फ्लैक्स करने में सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो फिर हम फर्दर इस स्टेप पे नहीं जाते, ठीक है। अगर इसमें जो है आपको सही सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं और आप मतलब कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये करके आप मतलब फर्दर प्रेशर दे सकते हो नर्व पे, तो आपको साइन सिम्टम्स मिलते हैं, तो आप कहते हो कि टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर द मीडिया नर्व या कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। सिम्टम्स आपको पता है कहाँ पे मिलेंगी, कार्पल टनल के, ठीक है, थंब, इंडेक्स, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट, मैंने कहा था कार्पल टनल में या तो पेशेंट मीडियन नर्व की कोर्स की कंप्लेन करेगा, नर्व की इंटीरियर रिस्ट पेन की भी कंप्लेन कर सकता है, या फिर थंब के मसल्स की भी आपको वीकनेस मिल सकती है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स में जरूरी नहीं है सिर्फ सिम्टम्स मिले तो ये आप बोलो, ठीक है। तो इंटीरियर रिस्ट पेन हो या फिर थम्स के मसल्स की वीकनेस हो, स्पेशली द अपोजिशन मूवमेंट। अच्छा, ये बताया है कि मॉडिफाइड फैलन टेस्ट में जो है आप एडिशनल कंप्रेशन दे रहे हो कार्पल टनल पे, इसलिए अगर ये वाला टेस्ट करवाते हो मतलब कि फ्लेक्शन के साथ साथ कंप्रेशन भी दे रहे हो, प्रेशर भी दे रहे हो, तो उसको बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि आप नर्व पे हद से ज्यादा प्रेशर देने वाले हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट हो तो ही आप ये टेस्ट करवाओ। ठीक है। Massenet sign. Massenet sign is a wrist examination procedure that is used to evaluate the Colles fracture। ठीक है, ये साइन जो है Colles fracture को जो है वो टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। Colles fracture क्या होता है, जिसमें जो है आपका डिस्टल रेडियस जो है वो फ्रैक्चर कर जाता है when the patient will fall on the outstretched hand। इसके लिए क्या करवाओगे, पेशेंट जो होगा वो सिटिंग या स्टैंडिंग पोजिशन में होगा। Ask the patient to flex the elbow 30 degree while keeping the forearm pronated। ठीक है, पेशेंट को बोलेंगे कि एल्बो को 30 डिग्री फ्लेक्स करें, फोरआर्म प्रोनेटेड होगा। इस पोजीशन में पेशेंट को बोलते हैं कि रिस्ट को एक्सटेंड करें, और हम नोट करते हैं कि पेशेंट किस तरह से रिस्ट को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब उसकी मूवमेंट को भी चेक करोगे, रेंज को भी देखोगे, रेंज भी देखोगे कि रिस्ट कितना एक्सटेंड कर पा रहा है। ठीक है, 30 डिग्री एल्बो फ्लेक्स, फोरआर्म प्रोनेटेड, इस पोजिशन में पेशेंट को बोलते हैं कि रिस्ट को एक्सटेंड करें। थेरेपिस्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, ये पेशेंट एक्टिवली करता है, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो रिस्ट को हाइपर एक्सटेंड करता है, रिस्ट को हाइपर एक्सटेंड कर ले, मतलब अपनी रेंज से ज्यादा जो है वो एक्सटेंड कर रहा है, हाइपर मोबिलिटी मिल रही है आपको, रिस्ट की एक्सटेंशन की रेंज हद से ज्यादा मिल रही है, नॉर्मल से ज्यादा मिल रही है, तो हम कहते हैं कि टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। और अगर आपको ये टेस्ट पॉजिटिव मिल रही है तो जाहिर सी बात है, तो समझो कि फ्रैक्चर है, तो फिर आप उसको रेडियोग्राफ की तरफ लेके जाओ, एक्सरे वगैरह करवाओगे, सही है, और उसके बाद ही जो है फर्दर और टेस्ट की तरफ जाते हो। वरना ऐसा ना हो कि Colles फ्रैक्चर हो और आप जो है वो बोन्स को छेड़े जा रहे हो और आप जो है वो उसका काम और खराब कर दो। तो अगर आपको इस तरह की कोई साइन मिल रही है और आपको डाउट हो रहा है कि हो सकता है इसका फ्रैक्चर हो, पहले हमेशा एक्सरे की तरफ जाना चाहिए फर्दर एग्जामिनेशन पे जाने से पहले। ल्यूनेटो टाइक्वाड्रल टेस्ट, द ल्यूनेटो टाइक्वाड्रल या जिसको ब्लॉटमेंट टेस्ट भी कहा जाता है, दैट इवैल्यूएट इनस्टेबिलिटी। कार्पल स्पोन जो आपके 8 कार्पल स्पोन है उनकी स्टेबिलिटी को जो है वो चेक करने के लिए यूज की जाती है। द ल्यूनेट इज द commonly dislocated, ठीक है, जो यूनिक बोन है वो मोस्टली जो है वो डिसलोकेट सबलेक्सेट होने के चांसेस उससे ज्यादा होते हैं अगर कोई भी ट्रॉमा होता है या पेशेंट गिर जाता है। तो दिस टेस्ट विल डिटरमाइन द इंटीग्रिटी ऑफ द कार्पल बोन्स और इस टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। दिस टेस्ट इज आल्सो नोन एज द शक टेस्ट। यूनेटो ट्राइकोटल टेस्ट को शक टेस्ट भी कहा जाता है। पेशेंट जो होगा वो सिटिंग पोजीशन में होगा, रेस्ट द ट्राइकोटियम विद वन हैंड व्हाइल द इन अदर होल्ड द यूनिट। दोनों जो है कार्पल्स को एक हाथ से यूनिट को जो है वो होल्ड करेंगे, एक हाथ से ट्राइकोटम जो है वो कार्पल बोन को होल्ड करेंगे, ठीक है। और जो है मूव द यूनिट इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। एक हाथ से ट्राइक्वाइटल जो भी है आपका कार्पल है उसको होल्ड करोगे, एक हाथ से यूनिट को होल्ड करोगे। जिस थंब से या जिस हाथ से आपने ट्राइक्वाइटल को होल्ड किया हुआ है उसको सिर्फ स्टेबलाइज कर लोगे। मूव किसको करेगा? यूनिट बोन को करेंगे, यूनिट बोन को इंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है, इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट में जो है वो मूव करोगे। अगर आपको हाइपर मोबिलिटी मिल रही है इट इंडिकेट्स द इनस्टेबिलिटी ऑफ द कार्पल बोन और हो सकता है वो वहाँ पे आपको जो है वो पेशेंट समटाइम्स ये भी होता है कि ट्रिप्टस साउंड्स की कंप्लेन करे तो आप समझ जाओगे कि वहाँ कोई डिजेनरेटिव चेंजेस डिजीज हो रही है, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज हो रही है या आरए भी हो सकता है, ठीक है। अगर हाइपर मोबिलिटी या लैक्सिटी मिल रही है तो समझो कि यूनिट जो है वो बोन वो डिसलोकेट हो सकता है या सबलेक्सेट हो सकता है। और साउंड मिल रहे हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट या पेशेंट बहुत ज्यादा पेन की कंप्लेन कर रहा है तो समझो कि आर्थराइटिस हो सकती है। अब वो डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज मतलब आपकी आर्थराइटिस भी हो सकती है डिजेनरेटिव या फिर आरए भी हो सकती है। Foreman test. Foreman test is a risk examination procedure that check for the possible ulnar nerve paralysis. ठीक है, ये टेस्ट जो है वो ulnar nerve paralysis के लिए यूज की जाती है और इसमें बेसिकली आप हैंड ग्रिप की जो है वो स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हो। पेशेंट डिफरेंट तरीकों से जो है ये टेस्ट करवा सकते हैं Foreman टेस्ट, ठीक है। या तो फर्स्ट पोजीशन बताई गई है द पेशेंट होल्ड्स अ पीस ऑफ द पेपर बिटवीन द टू फिंगर्स ऑफ द वन हैंड, द एग्जामिनर ट्राइज टू रिमूव द पेपर टू टेस्ट फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। या तो पेशेंट के हाथ में जो है एक पेपर दे देंगे और उसको बोलेंगे कि एक ही हाथ के दो फिंगर्स के बीच में उसको पेपर होल्ड करने की कोशिश करनी, ठीक है। इंडिविजुअली हर फिंगर से चेक करवाओगे, थंब इंडेक्स, थंब मिडिल, थंब रिंग एंड थंब लिटिल फिंगर, ठीक है। इंडिविजुअली हर चीज की करवाओगे। पेशेंट को बोलेंगे कि इन दोनों फिंगर्स के दरमियान पेपर को होल्ड करे और थेरेपिस्ट उस पेपर को खींचने की कोशिश करता है, उससे वो लेने की कोशिश करता है और पेशेंट को बोलते हैं कि आपको इसको पकड़ के रखना है अपने पास, मैं आपसे खींचूंगा, आपको जो है उसको पकड़ के रखना है। इस तरह से भी कर सकते हो। या फिर पेशेंट को बोलेंगे कि थंब और इंडेक्स फिंगर्स की टिप दोनों टिप्स को आपस में हम कर रहे थे ओके साइन और थेरेपिस्ट उन दोनों को फिंगर्स को रोकता है दोनों को मिलने से, जैसे हम पिछले केस में करेंगे। द पेशेंट टचेस ऑल द फाइव फिंगर्स, या फिर पेशेंट को बोलते हैं कि मेरी जो है वो फिंगर्स पे अपनी पांचों फिंगर्स ग्रिप करके मेरी फिंगर्स को जो है वो होल्ड करो लाइक दिस, ठीक है। पेशेंट को बोलते हैं कि अपने पांचों डिजिट से मेरी फिंगर को होल्ड करने की कोशिश करो, थेरेपिस्ट की फिंगर को होल्ड करेगा इस तरह से, ठीक है। और हम जो है फील करते हैं कि पेशेंट ने कितनी स्ट्रेंथ के साथ मेरी फिंगर को ग्रिप किया हुआ है, ठीक है। या तो आप उसकी स्ट्रेंथ को फील करोगे कितनी स्ट्रेंथ या कितनी जो है वो ताकत से ग्रिप किया हुआ है, या फिर आप जैसे उसने फिंगर को पकड़ाई और आप उससे वो फिंगर की कोशिश करो और पेशेंट को बोलना है कि आप उसको पकड़े मतलब उसको पकड़ के रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो काफी तरीके हो सकते हैं, बेसिकली इसमें ग्रिपिंग ही चेक हो रही है। पॉजिटिव होगी अगर पेशेंट जो है वो पेपर को नहीं होल्ड कर पा रहा या फिर टिप टू टिप नहीं मिला पा रहा या फिर आपकी फिंगर को जो है वो स्ट्रेंथ के साथ या प्रॉपरली पावर के साथ होल्ड नहीं कर पा रहा, ठीक है। अल्नर नर्व जब भी कंप्रेस होती है, जब भी अफेक्ट होती है तो इनिशियली सबसे पहले पेशेंट की ग्रिप स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है तो इसलिए ये टेस्ट इनिशियली करवाया था। Finger extension test is used to identify the finger flexor tightness. फिंगर एक्सटेंशन टेस्ट क्यों करवाया जाता है? फिंगर फ्लेक्सर्स की टाइटनेस हो तो उसके लिए टेस्ट करवाया जाता है। पेशेंट जो होगा वो सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन हो सकता है और पेशेंट को बोलेंगे कि अपने हाथों की फिंगर्स को, ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों फिंगर दोनों हाथों की फिंगर्स को बिल्कुल करें अबडक्टेड और जो है दोनों हाथों की टिप्स को आपस में और पाम्स को आपस में मिलाए, जैसे हम फैलन टेस्ट में रिवर्स फैलन टेस्ट में कर रहे थे इस तरह से, ठीक है। इस पहले टिप्स मिलानी है और टिप्स के कांटेक्ट को मेंटेन करते हुए आपस में पाम्स को मिलाना है, तो जो है वो होल्ड करके रखना है, ठीक है। पेशेंट इस पोजीशन में आप देखिए बेसिकली रिस्ट और फिंगर्स दोनों एक्सटेंड हो रही हैं फुली, ठीक है। अगर आप करके देखेंगे पहले अगर टिप्स मिलाते हैं उसको मेंटेन करते हुए रिस्ट की तरफ जाते हैं तो फिंगर्स जो है वो फुल एक्सटेंशन में जा रही है। अगर रिस्ट के फ्लेक्सर्स टाइट होंगे तो वो फिंगर के फ्लेक्सर्स टाइट होंगे तो वो उसको एक्सटेंड करने से रोकेंगे या पेशेंट को टाइटनेस फील होगी, स्ट्रेच फील होगा, तो हम कहते हैं कि फिंगर की फ्लेक्सेस टाइट है, इसी वजह से जो है वो फिंगर्स पूरी तरह से एक्सटेंड नहीं हो पा रहे, ठीक है। या फिर पेशेंट पेन की कंप्लेंट कर सकता है, अगर पेन की करेगा तो समझ जाओ कि वहां पे आर्थराइटिस या टेनोसाइनोवाइटिस है। फ्रैंकलिन टेस्ट मैंने आपको उसमें भी करवाया था जब एल्बो करवा रही थी, ठीक है, बताया था। ये जो है रिकरेंट डिजीज के लिए होता है। रिकरेंट डिजीज क्या होती है? इन द रिकरेंट डिजीज, ठीक है, यहाँ से इन द रिकरेंट डिजीज देयर इज अ इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन ऑफ द रिस्ट फाउंड एट द बेस ऑफ द थंब, ठीक है। स्वेलिंग, अच्छा वो बता रहे थे ना आपको स्नफ बॉक्स का, जब तो दो टेंडन बता रहे थे कि दो टेंडन के दरमियान बीच में ये स्नफ बॉक्स एरिया होता है। वो टेंडन होते हैं आपका एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस प्राइमस, ठीक है। ये दोनों जो है वो समझो कि दोनों जो है टेंडन्स आ रहे हैं थंब की तरफ, इसके बीच में जो एरिया होता है वो स्नफ बॉक्स होता है। अगर इन दोनों टेंडन्स की किसी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, स्वेलिंग हो जाए और पेशेंट को सीवियर पेन हो थंब की मूवमेंट में या रिस्ट की मूवमेंट में, तो हम कहते हैं कि रिकरेंट सिंड्रोम है, ठीक है, उसके लिए किया जाता है। पेशेंट जो होगा वो सिटिंग पोजीशन में होगा। टेल द पेशेंट टू प्लेस द वन हैंड इन द एयर वाइल द अदर रेस्ट बिसाइड हिम, ठीक है। इसको देख लें बस। पेशेंट को कहते हैं कि जो है वो फिस्ट बना ले, हाथ को हवा में रखे, एयर में रखे, और आर्म जो है वो मिड प्रोन पोजीशन में, ना सुपिनेटेड है ना प्रोनेटेड है, प्रोन पोजीशन में है, न्यूट्रल पोजीशन में है। और पेशेंट को बोलते हैं फिस्ट बना ले इस तरह से कि थंब जो है वो इनसाइड हो, थंब इनसाइड द फिंगर्स जैसे इसमें बनाया गया है। और पेशेंट को बोलते हैं कि आप रिस्ट को अल्नर डेविएट करें, रिस्ट को अल्नर डेविएशन की तरफ लेके जाए, ठीक है। या तो थेरेपिस्ट लेके जा सकता है या तो पेशेंट एक्टिवली भी कर सकता है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसमें ये पेशेंट एक्टिवली कर रहा है। समटाइम ये होता है कि हम थेरेपिस्ट भी कर सकता है पैसिवली, मतलब उसके हाथ को इस पोजीशन में पकड़ के और जो है अल्नर डेविएट करें, नीचे की तरफ लेके जाए इस पोजीशन, तो पैसिवली भी कर सकते हैं एक्टिवली भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट जो है वो लेटरल साइड ऑफ द रिस्ट पे पेन की कंप्लेंट करता है तो हम कहते हैं कि फ्रैंकलिन टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर द रिकरेंट सिंड्रोम, देयर इज इन्फ्लेमेशन of the tendon of the abductor pollicis longus and the brachialis muscle, ठीक है। यहाँ पे this is the lateral side of the wrist, lateral side of the wrist पे patient pain की complaint करेगा, यहाँ thumb की lateral side। ठीक है, recurrent syndrome का pain mostly sharp और localized होता है। अच्छा जी, पनल लिटरल टेस्ट helps to identify the source of the proximal interphalangeal joint tension or the flexion motion limitation by evaluating the instinct muscles or the capsular tightness. ठीक है, ये वाला टेस्ट जो होता है वो proximal interphalangeal joint पे अगर आपको फ्लेक्शन मूवमेंट लिमिटेड मिल रही है, ठीक है, मतलब इंस्टिंक्ट मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है वहां पे, या तो वहां का कैप्सूल टाइट हो सकता है, उसको डायग्नोस करने के लिए ये वाला टेस्ट किया जाता है. प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल की बात हो रही है, ठीक है, और रीजन कोई भी हो सकता है, वहां पे आर्थराइटिस हो सकती है या कैप्सूल टाइटनेस हो सकता है. बहरहाल आपको प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट में अगर फ्लेक्शन लिमिटेड मिलती है, टाइटनेस मिलती है, तो उसके लिए टेस्ट करवाया जाता है. पेशेंट जो होगा सिटिंग पोजीशन में होगा, locate and extend the metacarpophalangeal joint and flexes the PIP, proximal interphalangeal joint of the affected. ये वाला टेस्ट आप वीडियो में भी देख सक रहे हो कि पेशेंट को करवा रहा था जो भी थेरेपिस्ट है, उसके मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को एक्सटेंड कर रहा था और PIP को फ्लेक्स करवा रहा था, ठीक है, और देख रहा था कि पेशेंट को क्या सिम्टम्स आ रहे हैं. ये वाला टेस्ट, ठीक है, ये वीडियो में भी था, ठीक है. अगर पेशेंट जो है वो प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट को फ्लेक्स नहीं कर पाता या उसको पेन होता है, तो हम कहते हैं विद द एक्सटेंडेड MCP, तो हम कहते हैं कि देयर इज द जो है वो फ्लेक्चर टाइटनेस या कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है कैप्सूल का, या फिर पेन की कंप्लेन कर रहा है तो वहां पे आर्थराइटिस भी हो सकती है, ठीक है. Bracelet test. Bracelet test is a wrist examination procedure that determines the presence of the RA and the looseness or instability of the ligaments along the wrist. ठीक है, RA कोई लूजनेस या इंस्टेबिलिटी हो तो उसके लिए ब्रेसलेट टेस्ट यूज किया जाता है. ब्रेसलेट टेस्ट में पेशेंट जो होगा सिटिंग पोजीशन में होगा, लोकेट द डिस्टल रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, अल्ना और रेडियस को जो है वो आप मोस्टली जो है वो जो ब्रेसलेट पहना जाता है डिस्टल रेडियस और अल्ना पे पहना जाता है, तो नाम इसलिए इसका ब्रेसलेट है. तो पेशेंट जो है मोस्टली कंप्लेन कर रहा होता है कि जब वो ब्रेसलेट या कोई भी वॉच वगैरह पहन रहा है तो उसको जो है वो पेन हो रहा है, तो पेशेंट जो है वो इस तरह से रिस्ट को कंप्रेस करता है, रेडियस पे भी अल्ना पे भी. अगर इस टेस्ट के दौरान पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो हम कहते हैं कि जिससे देयर इज अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर द रेमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है. उसके लिए फिर फर्दर RA के जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, RA फैक्टर वगैरह, वो सब कुछ आप करवा सकते हो उसको फर्दर डायग्नोस करने के लिए, ठीक है. और अगर आपको रिस्ट जॉइंट पे हाइपर मोबिलिटी मिल रही है या लैक्सिडिटी मिल रही है तो वहां पे लिगामेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. कैस्केड साइन, अच्छा इसको छोड़ दें, ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, बोले इसको छोड़ दें, इसको नहीं करवाते. Last is Allen's test. Allen's test is used to determine the efficiency of the ulnar arterial collateral circulation. Ulnar artery की circulation को check करने के लिए ये use किया जाता है. ये बहुत ही important test है. आपको ward में भी काम आएगी patients पे check करने के लिए कि ulnar collateral artery जो है वो उसका blood flow सही है या नहीं, ठीक है. The test is often used before the intervention like आर्ट्रियल ब्लड गैसेस एबीजीस असेसमेंट, ठीक है. एबीजीस असेसमेंट के करवाने से पहले या ब्लड सैंपल लेने से पहले मोस्टली ये वाला टेस्ट करवाया जाता है देखने के लिए कि पेशेंट की जो है वो ब्लड फ्लो सही है या नहीं. करवाते क्या है, अगर पेशेंट एक्टिव है, पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है, एक्टिव है, तो उसके लिए ये तरीकेकार है कि पेशेंट के हैंड की पोजिशन मतलब सीधा रखेंगे, स्पिनेटेड होगा, palm facing forward. Find the radial and the ulnar artery pulses. ठीक है, रेडियल आर्टरी आपको पता है कि थंब के जो है वो थंब के बिल्कुल यहाँ पे रेडियल साइड पे होती है जो फर्स्ट रिस्ट बन रहा है रिस्ट जॉइंट पे, और अल्नर आर्टरी जो है वो अल्नर साइड पे होती है, मीडियल साइड पे, ठीक है. दोनों को लोकेट करके अपना थंब वहां पे रखेंगे और थम से रेडियल और अल्नर आर्टरी को कंप्रेस करेंगे, जैसे इस फिगर में देख रहे हो आप, ठीक है. यहाँ से इसने जो है वो रेडियल आर्टरी को कंप्रेस कर रहा है और यहाँ से अल्नर आर्टरी को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है. दोनों को कंप्रेस कर रहे हैं और पेशेंट को बोलेंगे कि मेक अ फिस्ट, कंप्रेस करेंगे आप, देन पेशेंट को बोलेंगे कि फिस्ट बनाएं और ओपन करें, फिस्ट बनाएं ओपन करें, ठीक है, मुट्ठी बनाएं बंद करें, मुट्ठी खोलें, बंद करें खोलें। इस तरह से हम पेशेंट को तकरीबन 10 दफा करवाते हैं। आपने कंप्रेशन वहां पे मेंटेन रखी हुई है और फिस्ट की ओपनिंग और क्लोजिंग करवा रहे हो एटलीस्ट 10 टाइम्स, ठीक है। और देखो, आप देखोगे कि खोलने, मुट्ठी बंद करने खोलने की वजह से पाम जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो बिल्कुल वाइट पेल पड़ जाता है, ठीक है। रिलीज योर फिंगर्स एंड थंब, और जब आप वहां से जैसे ही कंप्रेशन छोड़ते हो, ठीक है, जैसे हाथ पेल पड़ गया, वाइट पड़ गया, और आप वहां से अपना प्रेशर हटा दोगे, रेडियल और अल्नर जो है आर्टरी को, जो आपने अपने कम से प्रेशर रखा तो वो हटा दोगे, और नोट करोगे कि कितने सेकेंड्स बाद हाथ दोबारा जो है वो नॉर्मल या पिंक कलर में आ रहा है, ब्लड फ्लो वहां पे वापस आ रहा है, टाइम नोट करोगे, ठीक है। एक तो ये कर सकते हो, और अगर पेशेंट सेडेटिव है, ठीक है, पेशेंट वार्ड में एडमिट है, अनकॉन्शियस है, और आप उसको, उसकी आपको ब्लड फ्लो चेक करनी है कि उसके ब्लड फ्लो सही जा रहा है या नहीं, एपीजीस करवाने से पहले, तो पेशेंट के जो है वो उसके लिए आप ऑक्सीमीटर जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। Place the position in the palm facing forward. Attach the pulse oximeter to the any finger. किसी भी फिंगर पे पल्स ऑक्सीमीटर आप जो है वो लगा दोगे, और पेशेंट की रेडल और अल्नर आर्टरी को उसी तरह से थंब से कंप्रेस करोगे। आप नोट करोगे कि थोड़ी देर कंप्रेशन के बाद पल्स ऑक्सीमीटर से जो है वेव जो है वो हट जाती है, गुम हो जाती है, ठीक है। और जब जैसे ही आप प्रेशर छोड़ोगे, तकरीबन उसको थोड़ी देर मेंटेन रखना है, कितनी देर के लिए, जब तक वो पल्स गायब ना हो जाए ऑक्सीमीटर से, ठीक है। जैसे पल्स गायब हो जाए, आप वो अपना प्रेशर हटा दोगे, और नोट करोगे कि कितने सेकंड्स बाद पल्स ऑक्सीमीटर पे वो वेव वापस आ रही है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि 3 to 5 सेकेंड्स में वो पल्स वापस आ जाती है पल्स ऑक्सीमीटर पे, या अगर आप एक्टिव पेशेंट में भी कर रहे हो जिसमें आप कलर को देख रहे हो ना, रिस्की कलर को, तो जो हाथ पेल पड़ रहा है, जैसे आपने प्रेशर दिया है उसको, फिस्ट को बंद करवाया खुलवाया तकरीबन 10 दफा, हाथ वाइट पड़ गया, पेल पड़ गया, मतलब कि वहां पे ब्लड फ्लो जो है वो रुक गई, फिर आप छोड़ रहे हो और देख रहे हो कि कितने सेकंड बाद हाथ वापस पिंक हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली जो हाथ पिंक हो जाता है या जो उसकी ब्लड सप्लाई वापस आ जाती है हाथ की, वो 3 to 5 सेकेंड्स में नॉर्मली आ जाती है, ठीक है। अगर पेशेंट की ब्लड फ्लो या कलर स्किन का वापस सही हो रहा है, या पल्स ऑक्सीमीटर पे वेव वापस 3 से 5 सेकंड के अंदर वापस आ रही है कंप्लीटली, तो हम कहते हैं कि अल्नर आर्टरी जो है वो बिल्कुल ठीक है, ब्लड फ्लो बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। अगर 3 से 5 मिनट से ज्यादा लगते हैं, तो हम कहते हैं कि वहां पे ब्लड फ्लो में जो है वो स्लो है या डिस्टर्बेंस आ रही है। तो दैट इज द एलेंस टेस्ट। अच्छा जी, स्पेशल टेस्ट हो गए थे सारे। रिस्क के आज जो हम मैनेजमेंट पे बात करेंगे कि कौन सी रिस्क में जो है वो मैनेजमेंट क्या होती है, अगर जो डिफरेंट डिसऑर्डर्स या पैथोलॉजी हो, और क्या सर्जरीज की जाती हैं, ठीक है। इस टेबल में जो है एक तरफ ये आपके रिस्क की पैथोलॉजीज और सर्जिकल प्रोसेस बताए गए, ठीक है। मोस्ट कॉमन पैथोलॉजीज रिस्क में क्या क्या है, आर्थराइटिस है, ठीक है, आर्थराइटिस OA भी हो सकती है, RA भी हो सकती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थरोसिस हो सकती है, साइनोवाइटिस, साइनोवेल जो है वो फ्लूइड, साइनोवेल मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन हो जाए, पोस्ट इमोबिलाइजेशन आर्थरोसिस, फ्रैक्चर वगैरह के बाद अगर इमोबिलाइज किया जा रहा है तो उसके बाद अगर स्टिफनेस या आर्थरोसिस मतलब कोई भी बोनी चेंजेस आ रहे हैं तो वो जो है कॉमन है। टेंडन एडिशन जो है वो कॉमन है, सॉरी, एक्यूट आर्थराइटिस, कैप्सुलाइटिस, साइनोवाइटिस, टेनोसाइनोवाइटिस, एक्यूट स्प्रेन, टेंडनाइटिस, ठीक है, ये सारी चीजें कॉमन है। और इस तरफ जो है इसकी वो बताया गया है कि अगर ये कंडीशंस होती हैं तो उसमें क्या इम्पेयरमेंट्स आते हैं, ठीक है, कि जॉइंट मोबिलिटी कम हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, मसल्स की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है, मोटर फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, सही। और इसके अलावा यहाँ से जो है वो सर्जरी से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से जो है वो सर्जरी से स्टार्ट हो रही है, इंटरपोजिशनल आर्थोप्लास्टी, और जो है वो सरफेस या टोटल ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आर्थोप्लास्टी। इंटरपोजिशनल आर्थोप्लास्टी को फ्लेक्सिबल आर्थोप्लास्टी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको जो है नॉन फ्लेक्सिबल जो है वो आर्थोप्लास्टी कहा जाता है। इसमें डिफरेंस क्या है कि जब टोटल रिस्ट आर्थोप्लास्टी का मतलब तो आपको पता ही कि ज्वाइंट की रिप्लेसमेंट की जाती है आर्टिफिशियली, ठीक है। अगर टोटल रिस्ट आर्थोप्लास्टी होती है मतलब नॉन फ्लेक्सिबल, तो उसमें क्या होता है कि वो रेस्टिंग पीरियड कम होता है, मतलब स्प्लिन वगैरह कम टाइम के लिए पहनाया जाता है। फ्लेक्सिबल होता है उसमें जो है वो स्प्लिन जो है ज्यादा लंबे अरसे के लिए पहनाया जाता है। मोस्टली 12 वीक्स तक जो है हम पेशेंट की एक्टिविटी को होल्ड करके रखते हैं, उनसे कोई भी रिस्क की एक्टिविटीज ज्यादातर नहीं करवाते। और अगर नॉन फ्लेक्सिबल या जो है टोटल रिप्लेसमेंट जो है आर्थोप्लास्टी हो रही है ये वाली टोटल ज्वाइंट, तो 6 to 8 वीक्स के अंदर अंदर एक्सरसाइजेज या एक्टिविटी स्टार्ट करवा देते हैं। तो इसमें जो है वो रेस्टिंग का शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, फ्लेक्सिबल में ज्यादा होता है। ये डिफरेंस है थोड़ा सा। साइनोवैक्टमी, टेनोसाइनोवैक्टमी, रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन और ट्रांसफर्स ऑफ द रप्चर्ड एंड लैसरेटेड टेंडन, सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, ठीक है, उसमें कैप्सूल, लिगामेंट्स, टेंडन किसी का भी हो सकता है, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन ऑफ द फ्रैक्चर और इफ फ्रैक्चर डिस्लोकेशन, बोन रिसेक्शन, डिस्टल स्टाइलॉइड टेक्टमी। इसमें क्या होता है कि स्टाइलॉइड प्रोसेस को जो है वो निकाल के मतलब उसकी एक्सिशन कर देते हैं अल्ला की, डिस्टल अल्ला की। कार्पेक्टमी, जो प्रोक्सिमल रो है ना कार्पल्स की, ठीक है, उनको जो है वो निकाल देते हैं किसी वजह से। रीजन कोई भी हो सकता है कि वहां पे जो है वो समटाइम ऐसा होता है कि आरए में जो है फॉर्म बोन्स जो है डिफॉर्म हो गए हैं, या फिर कोई ऐसा फ्रैक्चर हुआ है कि मल्टीपल जो है वो बोन फ्रैक्चर हो गया है जो बिल्कुल नहीं हो सकता हील, तो ऐसी कंडीशन में जो है फिर उसकी समझो के निकाल देते हैं, बोन्स को वहां से हटा देते हैं। आर्थ्रोडेसिस, कार्पल टनल सिंड्रोम, टनल ऑफ ग्यान्स सिंड्रोम, ये जो मैंने आप लोग को बताया था कि मीडियन नर्व कहाँ पे कंप्रेस होती है, अल्नर नर्व कहाँ पे कंप्रेस होती है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस कॉमन है। ठीक है, ये वही उसकी डिटेल है कि डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थरोसिस, सबसे मेन मेजर जो है वो डिफॉर्मिटी यही है या डिजीज पैथोलॉजी यही है। इसकी डिटेल मैंने नहीं दी हुई है क्योंकि आप लोग को पता है कि डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज या ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या सिम्टम्स आएंगे, एक्यूट कंडीशन में क्या होगा, क्रोनिक कंडीशन में क्या होगा, कॉजेस क्या होंगे, ये सब आपको पता है, तो मैंने इसलिए ज्यादा उसका नहीं डाला है। पोस्ट इमोबिलाइजेशन, हाइपोमोबिलिटी, ठीक है, फ्रैक्चर, कोई ट्रोमा हुआ, कुछ हुआ जिसकी वजह से इमोबिलाइजर या प्लास्टर पहनाया गया है पेशेंट को, ठीक है, और काफी समय के बाद जो है उसका हटाया गया है, तो उसकी वजह से उसमें जो स्टिफनेस या हाइपोमोबिलिटी आती है वो कॉमन है। आरए, रेमेटाइड आर्थराइटिस, आपको पता है कि स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं स्पेशली रिस्ट और फिंगर्स के, तो रेमेटाइड आर्थराइटिस जो है वो मेजर डिजीज है या मेजर पैथोलॉजी है अगर इसके हैंड की बात की जाए, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं इनमें जो मेन चीज, एक चीज जो फोकस वाली है ये सब में जो कॉमन हो रही है वो हो रही है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो भी हाइपोमोबिलिटी होगी, रेंज कम हो जाएगी। पोस्ट इमोबिलाइजेशन, हाइपोमोबिलिटी की वजह से भी रेंज कम हो जाती है। आरए में भी जो है पेन, स्वेलिंग, किसी मतलब जो भी उसके पैथोलॉजी की है फिनोमेना, तो उसकी वजह से हाइपोमोबिलिटी हो जाती है। तो इन सारी कंडीशंस की वजह से हाइपोमोबिलिटी कॉमन है, तो इसीलिए हम जो है वो हाइपोमोबिलिटी की मैनेजमेंट, सब में आप लोग पढ़ते हो ना कि मैनेजमेंट ऑफ हाइपोमोबिलिटी, तो इसमें आप इन सारी चीजों को कवर कर रहे होते हो, ठीक है। आरए में जो है क्या क्या चीजें होंगी, पेशेंट को पेन होगा, स्वेलिंग होगी, वार्म, लिमिटेड मोशन फ्रॉम साइनोवियल इन्फ्लामेशन या साइनोवाइटिस, प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होगी, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व फ्रॉम द स्वेलिंग टिश्यू, जनरल सिस्टमिक एज वेल एज मस्कुलर फटीग, पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर सकता है जनरल और मस्कुलर फटीग की। कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगा, आपको पता है कि आरए में जो है वो कार्टिलेज जो है वो प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। बोन इरोजन हो जाएगी, टेंडन रप्चर हो सकता है, क्योंकि आरए में जो है ना टिश्यूज जो है वो समझो कि बिल्कुल वो उनके टीयर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिल्कुल वो समझो कि वीक पड़ जाते हैं। थोड़ा सा भी स्ट्रेच करेंगे उनमें रप्चर बहुत जल्दी हो जा सकता है। तो इसीलिए आरए का पेशेंट होगा तो उसमें हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जब करवाते हैं तो उस बहुत केयरफुली करवाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी स्ट्रेच ज्यादा आया तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है। तो आरए में इस चीज का ध्यान करना है। टेंडन रप्चर कॉमन है, ज्वाइंट सबलक्सेशन कॉमन है, और डिफॉर्मिटी, ठीक है, बहुत सारी डिफॉर्मिटीज हो सकती है, लेकिन जो रिस्ट की जो है मोस्ट कॉमन है स्वेन नेक डिफॉर्मिटी और बॉटनिया डिफॉर्मिटी। ठीक है, स्वेन नेक डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि देयर इज द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ टीआईपी प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट एंड द फ्लेक्शन ऑफ डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट। ऊपर वाली फिगर को देखें। स्वेन नेक डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल, दिस इज प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, दिस इज डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट। स्वेन नेक डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट पे हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है। देख रहे हो आपके ये ज्वाइंट जो है वो हाइपर एक्सटेंशन में गया हुआ है, दिस वन, और जो है डीआईपी डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट वो फ्लेक्जन में चला जाता है। ठीक है, ये डिफॉर्मिटी इस तरह से होती है। प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट जो है वो हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है और डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट जो है वो फ्लेक्जन में चला जाता है। ठीक है, और डिफॉर्मिटी में उसके अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि आपका प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट फ्लेक्जन में चला जाता है पेशेंट का, और डिस्टल जो है वो एक्सटेंशन में चला जाता है। ठीक है, दोनों फिगर्स को अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक्सटेंशन हो रही है और यहाँ पे देखो तो फ्लेक्जन हो रही है। इसके डिस्टल पे देखो तो यहाँ पे फ्लेक्जन हो रही है, यहाँ पे देखो तो एक्सटेंशन में चला गया। तो ये डिफरेंस होता है स्वेन नेक और बॉटनिया डिफॉर्मिटी में। ये दोनों हो सकती हैं आरए के पेशेंट्स में। ठीक है, कॉजेज पे नहीं जाएंगे कि क्या कॉजेज हैं इसके, कौन से टेंडन जाते हैं, क्या जाते हैं, बहुत लंबी स्टोरी है, वरना इस पे तो पूरा चैप्टर है डिफॉर्मिटीज पे। ठीक है, बॉटनिया में पीआईपी फ्लेक्जन एंड डीआईपी इन एक्सटेंशन। सही है, इन सारों में मैंने कहा कि एक कॉमन चीज है जॉइंट हाइपोमोबिलिटी। अब उसकी मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? प्रोटेक्शन फेज में पेशेंट की एजुकेशन, आपको पता है कि पेशेंट को क्या एजुकेट करना है, और पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट जो है वो उसके लिए मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी हुई है वो तो अपनी जगह काम करेंगे, उसके अलावा आप जो है वो करवा सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगी कि इन्फ्लामेशन कम होगी। सही, और उसके अलावा स्प्लिंटिंग या इमोबिलाइजर जो पहनाते हैं हम पेशेंट को। ठीक है, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन देखेंगे पेशेंट की जो है वो प्रोफेशन क्या है, पेशेंट का कौन सी एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा कर रहा है या कौन से मसल्स को ओवर यूज कर रहा है, तो उसको उस हिसाब से एक्टिविटी मॉडिफिकेशन गाइड करेंगे कि आपको ये काम नहीं करना है या करना है या किस तरह से करना है, इसको इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है। क्या आप मतलब एक पर्टिकुलर मसल अगर ओवर यूज हो रहे हैं या पर्टिकुलर ज्वाइंट जो है वो ज्यादा जो है वो यूज हो रहा है, उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है, तो हम उसको मॉडिफिकेशन पेशेंट को जो है वो गाइड करेंगे। ठीक है, मेंटेन ज्वाइंट मोबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। ज्वाइंट मोबिलिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम जो है वो पैसिव एक्टिव, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाएंगे। ठीक है, जो नियर बाय ज्वाइंट्स होंगे तो उसकी तो हम इनिशियली आपको पता है कि एक्टिव मूवमेंट्स करवाते हैं। ठीक है, तो रिस्ट पे अगर पेन है तो आप क्या कहते हैं एल्बो, शोल्डर, इनकी एक्टिव मूवमेंट्स करवा सकते हो। जब रिस्ट की पेन मैनेज हो जाए तो रिस्ट को एक्टिव की तरफ लाओगे, वरना मोस्टली इनिशियली पैसिव और एक्टिव असिस्टेड की तरफ रखते हैं अगर पेशेंट को सीवियर पेन की कंप्लेन है तो। टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं फेज वन में। टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेज में अभी आगे बताऊंगी आपको एक्सरसाइजेज के पोर्शन में। ठीक है, मल्टीपल एंगल मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज। मल्टीपल एंगल मसल सेटिंग एक्सरसाइजेज जो है वो स्ट्रेंथनिंग होती हैं बेसिकली, जिसमें हम पेशेंट को जो है रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज करवा रहे होते हैं। ठीक है, मल्टीपल एंगल की बात यह कि अगर रिस्ट जैसे कि रिस्ट के एक्सटेंसेस की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से आइसोमेट्रिक हम करवा रहे हैं, तो पहले उसको न्यूट्रल में हमने रखा और उसको बोला कि रेजिस्टेंस के जो है वो अपोजिट प्रेशर लगाने की कोशिश करो या एक्सटेंड करने की कोशिश करो। और फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन में फर्दर लेके गए कि 10 डिग्री एक्सटेंड करवाया, देन वहां पे रेजिस्टेंस करवाई, 20 डिग्री में ले गए, वहां पे रेजिस्टेंस करवाई, उससे ज्यादा ले गए। तो इस तरह डिफरेंट एंगल्स में जाके उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं लोग। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक्सटेंशन, कोई भी जो है मूवमेंट रिस्क की जिसमें पेशेंट को प्रॉब्लम है उसकी आइसोमेट्रिक करवाएंगे। तो ये सारी चीजें प्रोटेक्शन फेज में होती हैं, फेज 1 में। फेज 2 एंड फेज 3 में हमारा मोस्टली फोकस होता है, ये एक जनरली भी बात है जो अभी आप लोगों ने कहा कि सेम है, ये वाकई जनरली भी बात है कि सेकंड थर्ड फेज में हमारा फोकस होता है स्ट्रेंथ और जो है वो इंड्योरेंस पे इम्प्रूव करने में। ठीक है, उसके अलावा मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हम लोग स्टार्ट करवा देते हैं। पहले देखना है कि कौन सा ज्वाइंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है या कौन से ज्वाइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो फिर उस पर आप, क्योंकि ग्रेड फेज 2 फेज 3 की बात हो रही है ना, तो इसमें आप ग्रेड 3 और 4 में जा सकते हो। तो ग्रेड 3-4 जो है वो टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो पेशेंट पे। अनलॉक अ सबलक्सेट अल्नोमेनिस्कल टाइक्वाटल ज्वाइंट। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ द डिसफंक्शन इज नॉट क्लियर बट सम पेशेंट डिस्क्राइब द लॉकिंग इन द रिस्ट एंड एन इनएबिलिटी टू सुपिनेट द फोरम। ठीक है, मतलब कोई रीजन प्रॉपर नहीं पता है कि क्यों ये होता है। मोस्टली पेशेंट रिस्ट लॉकिंग की कंप्लेन करता है। वो कहते हैं कि अचानक से ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मैं, ऐसा लगता है कि बस रिस्ट ज्वाइंट जो है वो लॉक हो गया है और मैं उसको सुपिनेट या प्रोनेट, मतलब एक पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं कर पा रहा, रिस्ट एक पोजीशन में लॉक हो गया है। ठीक है, द मेनिस्कस में भी डिस्प्लेस्ड, मेनिस्कस उसका काज हो सकता है। ठीक है, द फॉलोइंग टेक्निक्स में भी यूज टू फ्री अप द मोशन। तो नीचे 2 टेक्निक्स बताई गई हैं कि ये यूज कर सकते हैं उस ब्लॉकिंग को खत्म करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए। 1 इज बॉलर एंड द डॉर्सल ग्लाइड to the distal radioulnar joint, or 2nd is the self mobilization. This is the self mobilization. Self mobilization में क्या होगा कि patient जो है वो अपने distal ulna को grip करेगा with the fingers of the opposite side. ठीक है, this is ulnar side, this is radial side of the hand affected. Ulnar side से patient जो है वो खुद के हाथ को grip करेगा। ठीक है, इस तरह से कि thumb जो होगा वो पाल्मर साइड पे होगा, थॉमस साइड पे होगा, और जो फिंगर्स बाकी होंगी वो डॉर्सल साइड पे होंगी। ठीक है, इसी तरह से जैसे आप देख रहे हो। और जो है एंड देन प्रेसेस विद द थंब। ठीक है, और यहाँ से जहाँ से उसने थंब पकड़ा हुआ है वहां से वो पीसी फॉर्म को जो है वो ग्लाइड करवा रहा होता है, डॉर्सल ग्लाइड, मतलब पोस्टीरियर डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ठीक है, दिस इज पोस्टीरियर साइड, दिस इज एंटीरियर साइड। यहाँ से थंब से वो प्रेशर लगा के उसको ग्लाइड कर रहा है पोस्टीरियर साइड। ठीक है, तो ये करवा सकते हैं लॉकिंग को खत्म करने के लिए। ये सेल्फ मोबिलाइजेशन कहलाती है, पेशेंट खुद से कर रहा है। दूसरी जो है मैंने कहा कि वॉलर एंड जो है वो डॉर्सल ग्लाइड्स एट द डिस्टल रेडियोल्नर जॉइंट। इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो होगा वो सिटिंग पोजिशन में होगा विद द फोरआर्म ऑन द टेबल, फोरआर्म जो होगा टेबल पे होगा। और इनिशियली तो रेस्टिंग पोजीशन में स्टार्ट करते हैं कि रेस्टिंग पोजीशन में ग्लाइड देते हैं, देन जो है पूरी प्रोनेशन में लेके जाएंगे, ग्लाइड करेंगे, पूरी सुपिनेशन में लेके आके ग्लाइड करेंगे। ठीक है, इनिशियली रेस्टिंग पोजीशन में, देन फुल एंड रेंज प्रोनेशन एंड देन सुपिनेशन। जो भी आप, मतलब जो पेशेंट की मूवमेंट लिमिटेड है उस पर फोकस करेंगे हम लोग। थेरेपिस्ट की हैंड प्लेसमेंट क्या होगी कि थेरेपिस्ट जो होगा एक हाथ से डिस्टल अल्ना को, दिस इज अल्ना साइड, दिस इज रेडियल साइड, ऊपर वाली जो है वो रेडियल साइड है, नीचे वाली अल्ना साइड है। अल्नर साइड को पेशेंट जो है वो स्टेबलाइज करेगा विद द 1 हैंड। वो इस तरह से कि जो है वो पेशेंट का थंब जो होगा वो द 1 हैंड ऑन द डॉर्सल सर्फेस एंड द थीना रेमिनेंस एंड द थंब ऑन द वॉलर सर्फेस। थंब जो होगा पेशेंट के एंटीरियर साइड पे होगा, वॉलर सर्फेस पे, और उसकी फिंगर्स जो होंगी वो पीछे डॉर्सल साइड पे होंगी। ठीक है, दूसरे हाथ को भी ऊपर रेडियल जो है वो डिस्टल रेडियस पे इसी तरह से प्लेस कर लेगा कि थंब जो है वो एंटीरियर साइड पे, फिंगर्स जो है वो पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, मिनट आपको समझ आ गई। अब इसमें करना क्या है, जो नीचे आपने हाथ रखा हुआ है अल्ना के ऊपर, ठीक है, जिससे अल्ना को स्टेबलाइज किया हुआ है, ये हाथ सिर्फ स्टेबलाइज करेगा। इस हाथ से जो है वो आप मोबिलाइजेशन ग्लाइडिंग्स जो है वो देते हो, मतलब रेडियस पे ग्लाइडिंग देते हो। अल्ना फिक्स रहता है, अल्ना को सिर्फ स्टेबलाइज करते हो। ग्लाइड द डिस्टल रेडियस, डिस्टल रेडियस को ग्लाइड करना है डॉर्सली, अगर पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं जो एरो शो पर है, डॉर्सली अगर ग्लाइड करते हैं इट विल इंक्रीज सुपिनेशन, और अगर एंटीरियर साइड पे जो है वो ग्लाइड करते हैं, ठीक है, आगे की तरफ, इट विल इंक्रीज द प्रोनेशन, ठीक है। तो इस पोजीशन में रह के हम उसको डॉर्सली भी ग्लाइड कर सकते हैं और एंटीरियर या वॉलर साइड पे भी ग्लाइड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज रिक्वायर्ड है, पेशेंट में क्या चीज रिस्ट्रिक्टेड है। अगर पेशेंट में सुपिनेशन जो है वो लॉक हो गई, सुपिनेशन नहीं हो रही, तो आप डॉर्सल ग्लाइड दोगे, क्योंकि डॉर्सल ग्लाइड करने से सुपिनेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर पेशेंट की प्रोनेशन रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोनेशन लॉक हो गई है किसी वजह से, देन आप वॉलर ग्लाइड दोगे या इंटीरियर ग्लाइड दोगे इस डायरेक्शन में, तो उससे उसकी प्रोनेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। ये करवा सकते हो आप सेकंड फेज में, अगर लॉकिंग की कंप्लेन कर रहा है पेशेंट तो, ठीक है। मोबिलाइजेशन टेक्निक्स की बात मैंने की थी कि मोबिलाइजेशन टेक्निक करवा सकते हो ग्रेड 3-4 में। वो मोबिलाइजेशन टेक्निक क्या होगी कि अगर पेशेंट की फ्लेक्जन रिस्ट्रिक्टेड है, फ्लेक्जन को इंक्रीज करना है तो हम डॉर्सल ग्लाइड देंगे, ठीक है। जैसे ये फिगर ए में आप देख रहे हो, पेशेंट की पोजीशन इसी तरह से होगी टेबल पे, थेरेपिस्ट एक हाथ से यहाँ से स्टेबलाइज कर लेगा, ठीक है, दूसरे हाथ से जो है वो जो है आपके रिस्ट को पकड़ के पोस्टीरियर डायरेक्शन, ये रिस्ट की इंटीरियर डायरेक्शन है, ये रिस्ट का पोस्टीरियर साइड है, तो पोस्टीरियर डायरेक्शन में जो है वो ग्लाइड करवाएगा, डॉर्सल ग्लाइड या पोस्टीरियर ग्लाइड। डॉर्सल ग्लाइड इसलिए करवाते हैं अगर फ्लेक्जन रिस्ट्रिक्टेड है और हमें फ्लेक्जन को बढ़ाना है तो डॉर्सल ग्लाइड करवाएंगे। इसी तरह से अगर पेशेंट की एक्सटेंशन लिमिटेड है, एक्सटेंशन बढ़ानी है, तो फिर एंटीरियर ग्लाइड करवाएंगे, दिस वॉलर ग्लाइड, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने याद करनी होगी कि फ्लेक्जन बनानी होती है तो वॉलर करवाते हैं या डॉर्सल करवाते हैं, ये चीजें आपने याद करनी होगी, ठीक है। तो एक्सटेंशन को बढ़ाने के लिए वॉलर ग्लाइड और फ्लेक्जन को बढ़ाने के लिए डॉर्सल ग्लाइड। और रेडियल ग्लाइड करवाते हैं टू इंक्रीज द अल्नर डेविएशन और अल्नर ग्लाइड करवाते हैं टू इंक्रीज द रेडियल डेविएशन। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो, इसमें पेशेंट को क्या, पेशेंट थेरेपिस्ट आप ये देखें कि ये अल्ना साइड है, लिटिल फिंगर, ये थंब जो है रेडियल साइड है। थेरेपिस्ट क्या कर रहा है, पेशेंट की जो है मिड प्रोन पोजीशन में रखा हुआ है पेशेंट को इस तरह से कि थंब इज मतलब थंब जो है वो ऊपर की साइड है, रेडियल साइड जो है वो ऊपर की साइड है, ठीक है। इस पोजीशन में रख के पेशेंट को जो है वो नीचे की तरफ मतलब अल्नर साइड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये अल्नर ग्लाइड हो रही है, ठीक है। पेशेंट को जो है वो इस तरफ जो है वो ग्लाइड करवा रहे हैं ना, एरो को आप देख रहे हो कि अल्नर साइड पे जो है वो पुश कर रहा है, ग्लाइड दे रहा है, तो ये अल्नर ग्लाइड कहलाती है। ये तब करवा, इससे क्या होगा कि रेडियल डेविएशन इंक्रीज होगी, लिखा हुआ है ना कि अल्नर ग्लाइड टू इंक्रीज रेडियल डेविएशन, इससे जो है वो अल्नर डेविएशन इंक्रीज होगी। इसी तरह से अगर रेडियल की तरफ मतलब ये ऊपर की तरफ ग्लाइड करवा रहा है, ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा कि अल्नर डेविएशन इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये मोबिलाइजेशन टेक्निक्स करवा सकते हैं। उसके अलावा मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट्स करवा सकते हैं। मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट की एक ये टेक्निक है जिससे जनरली जो है रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करवा सकते हो आप लोग। पेशेंट जो होगा सिटिंग पोजीशन में होगा विथ द एल्बो फ्लेक्स्ड एंड फोरआर्म्स ओपिनेटेड। पेशेंट पाम इस तरह से होगा कि वो पेशेंट के फेस की तरफ हो। स्टेबलाइजेस द डिस्टल रेडियस। थेरेपिस्ट जो होगा एक हाथ से डिस्टल रेडियस को जो है वो स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, ये वाला हाथ जो है वो स्टेबलाइज कर रहे हैं। With the hand placed around the lateral aspect of the forearm, apply the pain-free lateral glide to the proximal row of the carpals, utilizing the wave space of your other hand. Have the patient then perform the active wrist extension and flexion to the end range of the available range, and with his or her free hand, apply the passive stretch at the end of the range. ठीक है, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, एल्बो फ्लेक्स्ड है, फोरआर्म सुपिनेटेड है। थेरेपिस्ट ने एक हाथ से जो है वो डिस्टल रेडियस को जो है वो स्टेबलाइज किया है, दूसरा हाथ उसने जो है वो अल्ना की साइड इस तरह से वेब स्पेस मतलब पूरी फिंगर्स फैला के इस तरह से पकड़ा हुआ है जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ से थेरेपिस्ट क्या करता है, लेटरल ग्लाइड करता है कार्पल्स, यहाँ पे कार्पल्स को जो है वो लेटरल साइड पे शिफ्ट करवाता है या ग्लाइड करवाता है, और साथ साथ हम पेशेंट को कहते हैं कि उसको रिस्ट की फ्लेक्जन और एक्सटेंशन करनी है फुल रेंज जितनी अवेलेबल है, और एंड रेंज में जाके अपने ही हाथ से पकड़ के उसको फर्दर एक जो है वो प्रेशर से स्ट्रेच करना है, फ्लेक्जन में भी एक्सटेंशन में भी। पहले फुल फ्लेक्जन में लेके आ गया और थेरेपिस्ट क्या कर रहा है, लेटरल ग्लाइड कर रहा है साथ साथ साइमल्टेनियसली। पेशेंट जो है फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्जन में लेके आ रहा है, फुल फ्लेक्जन में जितना वो एक्टिवली लेके आ रहा है आ गया, उसके बाद जो है एंड रेंज में अपने दूसरे हाथ से उसको थोड़ा सा स्ट्रेच देगा या प्रेशर देगा। इसी तरह से दोबारा जो है वो एक्सटेंशन में लेके जाएगा, थेरेपिस्ट जो है वो उसको लेटरल ग्लाइड कर रहा है कार्पल्स को, और एंड रेंज में जाके एक्सटेंशन पे स्ट्रेच देगा। तो इससे जो है रेंज इंक्रीज हो सकती है या मोबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये हो गई आपकी एक टाइप की कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हाइपोमोबिलिटी की। अब आ जाते हैं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पे। ठीक है, ये सारी सर्जिकल प्रोसेस तो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहले ही स्लाइड में जो है वो डिस्कस हो गए थे कि क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। एक एक प्रोसीजर्स की डिटेल में नहीं बता रही अभी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आप आर्थोपेडिक्स में भी पढ़ रहे हो। जो ये सारी सर्जरीज होती हैं देख लीजिएगा। मैनेजमेंट में क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव कोई भी सर्जरी, सॉरी ये रिस्ट आर्थोप्लास्टी की, रिस्ट आर्थोप्लास्टी अगर पेशेंट की हुई है तो सबसे पहले मोबिलाइजेशन, रिस्ट स्प्लिंट यूज करते हैं विद द रिस्ट पोजीशन इन अबाउट 10 to 15 डिग्री एक्सटेंशन। ठीक है, स्प्लिंट पहनाते हैं, रिस्ट को 10 to 15 एक्सटेंशन में रखवा के। ड्यूरेशन की बात की जाए तो मैंने कहा था कि देखो कि कौन सी आर्थोप्लास्टी हुई है, फ्लेक्सिबल या नॉन फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होती है तो ज्यादा टाइम के लिए, तकरीबन 12 वीक्स के लिए स्प्लिंट पहनाते हैं कि एक्टिविटी को समझो के होल्ड करके रखा होता है। और अगर नॉन फ्लेक्सिबल जो है वो मतलब कि टोटल रिस्ट आर्थोप्लास्टी हुई है तो उसमें मोस्टली 6 to 8 वीक्स के अंदर अंदर जो है स्प्लिंट हटा के एक्टिविटी स्टार्ट करवा देते हैं। एक्सरसाइज मैक्सिमम एंड मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज, मतलब कि फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 फेज 2 में क्या करवाते हैं, बिगिन एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज ऑफ द डिजिट्स, एल्बो, शोल्डर व्हाइल द wrist is immobilized and the use of the hand is restricted. Immobilizer is removed. Then start active range of motion. Emphasizes on the wrist extension more than flexion and the tendon gliding exercises with the wrist in the neutral. Yeah. Phase 1 और Phase 2 में जो है मोस्टली अगर जब तक जो है रिस्ट जो है वो इमोबिलाइजर में है तब तक हमारा फोकस होता है कि फिंगर्स की, एल्बो की और शोल्डर की एक्सरसाइजेस करवाएं, उसकी मोबिलिटी को मेंटेन रखें। जब वो रिस्ट्रिक्शन या इमोबिलाइजर हट जाता है देन हम एक्टिव स्टार्ट करवाते हैं मूवमेंट्स रिस्ट। लेकिन हमारा इनिशियली फोकस होता है कि एक्सटेंशन पे, मतलब एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस पे ज्यादा फोकस होता है एज कम्पेयर टू फ्लेक्जन इनिशियली। उसके अलावा टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, वो अभी आगे बताऊंगी क्या होते हैं। ग्रेड 2 एंड पॉसिबली ग्रेड 3 ज्वाइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे मैंने अभी बताया कि फ्लेक्जन को इंक्रीज करने के लिए कौन सा ग्लाइड है, एक्सटेंशन को इंक्रीज करने के लिए कौन सा ग्लाइड है, अनलर डेविएशन को इंक्रीज करने के लिए कौन सा है, रेडियल को कौन सा है, तो वो आपको याद होनी चाहिए। तो उसकी ग्रेड 2-3 मोबिलाइजेशन भी इसमें अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या करनी है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट अगर कर रहे हो आप, तो पोस्टपोन द रेडियल एंड अनलर डेविएशन इफ रिस्ट स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल। ठीक है, अगर रिस्ट ज्वाइंट इतना स्टेबल नहीं है या नॉन स्टेबल है, डाउट है कि पेशेंट में जो है वो इनस्टेबिलिटी मौजूद है अभी भी रिस्ट ज्वाइंट में, तो अल्नर और रेडियल डेविएशन की एक्सरसाइजेज नहीं करवाओ फिलहाल, उसको पोस्टपोन कर दो। व्हेन परफॉर्मिंग द रेडियल एंड अल्नर डेविएशन अवॉइड द रिस्ट फ्लेक्जन। और दूसरी बात इस चीज का ध्यान करो कि जब अल्नर और रेडियल डेविएशन एक्सरसाइजेस करवा रहे हो तब रिस्ट जो है वो न्यूट्रल पोजिशन में और रिस्ट फ्लेक्जन में ना हो। ऐसा ना हो कि रिस्ट फ्लेक्जन में हो और उसमें जो है आप मोस्टली जब कोई किसी पेशेंट को हम कहते हैं ना कि अल्नर डेविएट करे, रेडियल डेविएट करे, तो अल्नर डेविएशन क्या करते हैं मोस्टली रिस्ट फ्लेक्स करके फिर लेके जाते हैं। इस चीज का ध्यान करना है कि न्यूट्रल पोजीशन में हो तो ही अल्नर और रेडियल डेविएशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाओ। अगर रिस्ट फ्लेक्जन में हो और उसके साथ साथ आप रेडियल अल्नर डेविएशन करवाते हो तो रिस्ट जो है वो डिफॉर्मिटी की तरफ जाता है। मिनिमम प्रोटेक्शन फेज, मतलब कि 3rd फेज जो है क्या एक्सरसाइज करवाओगे, ये मोस्टली 8 to 12 वीक्स के बाद जो है वो स्टार्ट होता है। इनिशियली 8 to 12 वीक्स फेज 1 और फेज 2 होता है, उसके बाद ये जो है 3rd जो है फेज स्टार्ट होता है। इसमें हमारा फोकस स्ट्रेंथ और मस्कुलर इंड्योरेंस पे होता है। जैसे आपको पता है कि थर्ड पीरियड में मोस्टली हमारा फोकस स्ट्रेंथ इंड्योरेंस पे होता है, ठीक है। और स्ट्रेचिंग्स, ये सारी एक्सरसाइज बता रही हूँ कि स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्या है या भी आगे आ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पे। एक्सरसाइजेस मैंने कहा था ना टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस, वो क्या होती हैं? टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस की बेसिकली 5 पोजीशंस हैं। काफी दफा जिक्र आया टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस, तो उसकी बात हो रही है कि टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइज की बेसिकली 5 पोजीशंस होती हैं। नंबर 1 इज स्ट्रेट हैंड, जिसमें सारे ज्वाइंट्स एक्सटेंडेड है। इसको देखते जाइए, जो भी मैं पढ़ती जा रही हूँ उसके बाद इस फिगर्स को देखते जाइए। नंबर ए, ठीक है, ए वाली फिगर्स को देखें। दिस इज द स्ट्रेट हैंड, जिसमें ऑल द जॉइंट्स आर एक्सटेंडेड, रिस्ट फिंगर सबके जॉइंट एक्सटेंडेड है। फिगर बी इज द हुक क्लॉ फिस्ट। हुक क्लॉ फिस्ट में आपका मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट वो एक्सटेंडेड होता है और आईपी जॉइंट्स जो इंटरफिलेंजल जॉइंट होते हैं वो फ्लैक्स होते हैं। जैसे बी में आप देख रहे हो मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट जो है वो ये मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट एक्सटेंडेड है और इंटरफिलेंजल जॉइंट आपके फ्लेक्सन में है। थर्ड इज द फुल फिस्ट पोजीशन, जिसमें सारे जॉइंट्स वो फ्लेक्स होते हैं। आपका मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट भी फ्लेक्स्ड है और आपके जो है वो फेलेंजल इंटरफेलेंजल जॉइंट भी पोजीशन में। उसके बाद है टेबल टॉप पोजीशन। टेबल टॉप पोजीशन में आपका मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट जो होता है वो फ्लेक्स्ड होता है वो इंटरफेलेंजल जॉइंट जो होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन मैंने कहा कि स्ट्रेट हैंड, जिसमें सारे जॉइंट्स एक्सटेंडेड है। सेकंड हुक क्लॉ फिस्ट, जिसमें आपका मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट एक्सटेंड है और इंटरफिलेंजल जॉइंट जो है वो फ्लेक्स्ड है। थर्ड पोजीशन फुल फिस्ट पोजीशन, जिसमें सारे जॉइंट फ्लेक्स्ड है। आपका मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट भी आपके इंटरफिलेंजल जॉइंट भी सारे जो है वो फ्लेक्स पोजिशन में है। डी इज द टेबल टॉप पोजीशन, जिसमें आपका मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट फ्लेक्स्ड है और इंटरफिलेंजल जॉइंट जो है वो एक्सटेंडेड है। ये मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट फ्लेक्स्ड है, आपके इंटरफिलेंजल जॉइंट जो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में है। फिफ्थ वन इज द स्ट्रेट फिस्ट। स्ट्रेट फिस्ट पोजीशन ये वाली कहलाती है, फिगर ई में आप देखें ये वाली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट और प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजल जॉइंट फ्लेक्स होते हैं और जो है आपका इंटरफेलेंजल ज्वाइंट जो होते हैं वो एक्सटेंडेड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका मेटाकार्पोफिलेंजल ज्वाइंट फ्लेक्स्ड है, आपका प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजल ज्वाइंट जो है वो फ्लेक्स है, बाकी जो डिस्टल इंटरफेलेंजल ज्वाइंट है वो एक्सटेंड होता है। ये स्ट्रेट फिस्ट पोजीशन कहलाती है, ठीक है। मेटाकार्पोफिलेंजल ज्वाइंट भी फ्लेक्स है और प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजल जॉइंट भी फ्लेक्स है और जो है यहाँ का डिस्टल जो इंटरफेलेंजल जॉइंट है वो एक्सटेंडेड है। तो ये टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस कहलाती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते हो, दूसरी पोजीशन से तीसरी पोजीशन में जाते हो, तो इससे क्या होता है कि एक पोजीशन में दूसरी पोजीशन में जाने में आपके मसल टेंडन्स जो हैं वो ग्लाइड कर रहे होते हैं, उस पर बेसिकली ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेज हो रही होती हैं। तो ये एक्सरसाइजेज मोस्टली हम फर्स्ट फेज में सजेस्ट करते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि अगर हाइपोमोबिलिटी वगैरह हो जाए तो फर्स्ट फेज में ये वाले एक्सरसाइजेज करवाते हैं पेशेंट को। सारी बताते हैं कि पहले साथ सीधा रखना है, फिर यूं करना है, फिर मुट्ठी बंद करनी है, तो सारी पोजीशन इसी तरह से बताते हैं। फ्लेक्सर टेंडन ब्लॉकिंग एक्सरसाइज, इसमें क्या है कि फिगर ए को जैसे आप देख रहे हो, इसमें जो है आपका मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट की फ्लेक्जन हो रही है। सिर्फ एक डिजिट की हम करवा रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक फिंगर की मेटाकार्पोफिलेंजल जॉइंट की जो है वो फ्लेक्जन करवा रहे हैं और बाकियों को एक्सटेंड करके रखा हुआ है, ठीक है। बी में जो है वो प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजल जॉइंट की फ्लेक्जन करवा रहे हैं, बाकियों को अपने दूसरी फिंगर से रेजिस्टेंस देके स्ट्रेट या एक्सटेंड करके रखा हुआ है। इसमें प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजल जॉइंट की फ्लेक्जन पे काम हो रहा है। थर्ड इज द डीआईबी डिस्टल इंटरफेलेंजल जॉइंट, बाकी फिंगर्स को जो है वो एक्सटेंड करके रखा हुआ है दूसरे हाथ की फिंगर्स की हेल्प से और जो है डिस्टल इंटरफेलेंजल जॉइंट को सिर्फ जो है वो फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सारे जॉइंट को दूसरे हाथ से रेजिस्टेंस देके एक्सटेंड करके रखा हुआ है, ठीक है। वरना मोस्टली ये होता है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट को फ्लेक्स कर रहे हो ना, तो आपकी दूसरी फिंगर्स भी थोड़ी सी फ्लेक्जन की तरफ जाती है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करके रखना है, एक्सटेंड में इंडिविजुअली करवानी है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट की, पीआईपी की भी, डीआईपी की, ठीक है, तो ये करवा सकते हैं। दिस इज द टर्मिनल एक्सटेंशन ऑफ द पीआईपी, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इसमें क्या होता है कि एमसीपी जो है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है, उसको स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है, और पेशेंट को कहते हैं कि अपनी फिंगर को जो है वो एक्सटेंड करे या लिफ्ट करे, ठीक है, तो वो अपना जो है इंटरफेलेंजियल जॉइंट, यहाँ पे प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट और डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, यहाँ पे एक्सटेंशन कर रहा होता है फेलेंजेस की। बाकी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को आपने स्टेबलाइज किया होता है, तो इस पे बेसिकली आपके सिर्फ और सिर्फ इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स पे काम हो रहा है, उसकी एक्सटेंशन पे काम हो रहा है, तो ये वाली एक्सरसाइजेस करवा सकते हो। Differential glides of the extensor digitorum tendon. Move each digit into the flexion while squeezing the other digits in the extension. ठीक है, इसमें क्या है कि इंडिविजुअली एक एक फिंगर की फ्लेक्जन करवाते हैं हम, ठीक है, जैसे ये करें, एक एक फ्लेक्जन, एक एक डिजिट की फ्लेक्जन करवाते हैं, बाकी फिंगर्स को एक्सटेंड करके रखते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप इंडेक्स फिंगर्स की फ्लेक्जन करवा रहे हो तो बाकी थंब और बाकी की तीन फिंगर्स एक्सटेंड करके रखोगे दूसरे हाथ से, मिडिल की करवा रहे हो तो मिडिल को फ्लेक्जन में लेके जाओगे, बाकियों को एक्सटेंड करोगे, और रिंग को लेके जा रहे हो तो बाकियों को दूसरी फिंगर्स की हेल्प से एक्सटेंड करके रखोगे और इसको फ्लेक्जन में लेके जाओगे, और साथ साथ अपने दूसरे हाथ से जब पेशेंट फ्लेक्जन कर रहा है तो उसको जो है वो फर्दर प्रेशर भी देते हैं, जैसे इसमें दे रहा है, अपने इंडेक्स और थंब फिंगर्स से। तो ये भी करवा सकते हो, इससे एक्सटेंसर डिजिटोरियम की ग्लाइडिंग होती है। उसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, रिस्ट की एक्सटेंशन, रिस्ट की फ्लेक्शन, किस तरह से उसकी स्ट्रेचिंग्स करवाते हैं, तो ये सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं। ये जो है रिस्ट की एक्सटेंशन, उसके लिए किस तरह से स्ट्रेच करवाते हैं, इस पोजीशन में करवाएंगे, ठीक है, पेशेंट सेल्फ भी कर सकता है, खुद जैसे इसमें खुद से कर रहा है, और थेरेपिस्ट भी करवा सकता है। ये फ्लेक्जन है, इसकी फ्लेक्जन की स्ट्रेचिंग, दिस इज एक्सटेंशन स्ट्रेचिंग विद द फोरआर्म सुपिनेटिव, दिस इज एक्सटेंशन स्ट्रेचिंग विद द फोरआर्म प्रोनेटिव, ठीक है, ये वही इसकी फ्लेक्जन, और ये वॉल के साथ कर रहा है इस तरह से, कि वॉल के साथ जो है हम हाथ इस तरह से रखवाते हैं, जिसमें फोरआर्म जो है वो सुपिनेटेड है और रिस्ट जो है वो इस तरह से कि वो डाउनवर्ड साइड पे है, वॉल पे रखवाएंगे और पेशेंट को बोलते हैं कि प्रेस करे पाम को अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, ये भी करवा सकते हो। और इसके अलावा इसी तरह से ही सेम पोजीशन भी करवा सकते हो, लेकिन साथ साथ पेशेंट को क्या बोलोगे कि पाम पे जो है वो वॉल पे प्रेशर तो लगाए, लेकिन साथ साथ थंब को भी जो है वो अबडक्शन की तरफ लेके जाए, ठीक है, इससे क्या होगा कि फर्दर स्ट्रेच पड़ रहा होता है आपके रिस्ट पे, सही। उसके अलावा ये भी कर सकते हो कि जैसे वो नमस्ते पोजीशन कहलाती है मोस्टली, इसमें क्या कहते हैं कि पुश योर पाम्स टुगेदर एंड स्लोली लोअर्स योर हैंड, ठीक है, दोनों हाथ आपस में मिलाए और नीचे की तरफ उसको वो इस तरह से पुश करेंगे, तो रिस्ट के फ्लेक्सस की स्ट्रेचिंग होती है। और दिस इज द शेक इट आउट, इससे आपकी रेडियल अल्नर डेविएशन, मतलब मल्टीपल जो है वो मल्टीपल पोजिशन में एक्सरसाइजेस होती हैं शेक इट आउट हैंड करने से, ठीक है। इसमें ये जनरल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस बताई हैं, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, रोटेशन मतलब डेविएशन, अल्नर डेविएशन, रेडियल डेविएशन, ठीक है, ये स्ट्रेचिंग्स बताई हैं, फ्लेक्जन, एक्सटेंशन। उसके अलावा रिस्ट एक्सटेंशन स्ट्रेच इस तरह से भी कर सकते हो, पेशेंट को टेबल पे इस तरह से खड़ा किया है और जो है वो अपना वेट पेशेंट को कहते हो कि अपना वेट जो है वो फोर आर्म्स स्ट्रेट हो, आर्म्स स्ट्रेट हो और प्रेशर जो है वो आर्म्स पे डाले, आगे की तरफ लीन करें। तो इससे क्या होगा कि रिस्ट के फ्लेक्सेस की, रिस्ट के एक्सटेंसेस की स्ट्रेच होती है। इसमें यह है कि पेशेंट बिल्कुल सेम पोजीशन है टेबल पे इस तरह से ही, लेकिन इसमें देखिए फिंगर्स बाहर की तरफ हैं, इसमें फिंगर्स अंदर की तरफ हैं, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो एक में फ्लेक्जन को स्ट्रेच हो रहा है, एक में एक्सटेंशन को स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन और ये वाली नीचे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताई गई हैं। ये पेशेंट ने हाथ में कोई भी वेट पकड़ा हुआ है और जो है वो फ्लेक्जन की तरफ लेके आ रहा है, इसमें जो है वो वेट पकड़ के एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी ये बात है कि इसमें क्या करें, हम पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि हाथ में वेट पकड़ के उसको अपनी फोरआर्म की तरफ लेके आए, ठीक है, डिस्टल फोरआर्म की तरफ जो है वो करीब लेके आए। ये तो फिर सिक्वेजिंग एक्सरसाइज आपको बताएं। सिक्वेजिंग एक्सरसाइज में एक ये करवा सकते हैं फिंगर सीजर, इसमें जो है आपके लम्ब्राइकल्स जो मसल्स होते हैं अबडक्टर एडक्टर्स जो करवाते हैं, अबडक्शन एडक्शन जो करवाते हैं फिंगर्स की, उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है कि फिजियोबाल या कोई भी सिक्वेजिंग ऑब्जेक्ट जो है हम पेशेंट को कहते हैं कि फिंगर्स के बीच में रखें और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करें। तो इसमें एडक्टर्स की जो है वो स्ट्रेंथनिंग हो रही है। फिंगर टिप पिंच, इसमें अपोजिशन जो आपके अपोजिशन मसल्स हैं उसकी जो है वो स्ट्रेंथनिंग हो रही है। फिंगर ग्रिप, इसमें फ्लेक्सिस मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, ठीक है। फ्लैट पिंच, इसमें जो है आपकी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट के फ्लेक्सिस की और यहाँ के जो है आपके एक्सटेंसिस मसल्स, इंटरफेलेंजियल जॉइंट के एक्सटेंसिस मसल्स, उनकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। फिंगर स्प्रेड, इसमें जो है कोई भी बैंड जो है वो फिंगर्स में जो है इस तरह से पहना देते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि इसको स्ट्रेच करें, बैंड को मतलब फिंगर्स को दूर लेके जाने की कोशिश करें, अबडक्ट करें। इससे आपके फिंगर्स के अबडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, ठीक है। इसमें एडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, इसमें अबडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। फिंगर एक्सटेंशन, इसमें फिंगर्स के जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट है इंडिविजुअली प्रॉक्सिमल डिस्टल कहीं पे भी करवा सकते हो आप, इसमें उसकी जो है एक्सटेंशन की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हो रही है, ठीक है। ये है फिंगर स्प्रेड, इसमें जो है इसमें इंडिविजुअली जो है वो स्ट्रेंथ हो रही है अबडक्टर्स की, इसमें जो है सारे मसल्स के अबडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है और साथ साथ फ्लेक्सर्स की भी, और सॉरी एक्सटेंसर्स की भी, एक्सटेंसर्स और अबडक्टर्स। जब आप हाथ को इस तरह से स्प्रेड करते हो तो देखो कि आपकी एक्सटेंशन भी हो रही है और अबडक्शन भी हो रही है। हम क्या करें, वही एक्सरसाइजेस बैंड पहना के रेजिस्टेंस देके करवा रहे हैं, तो इसमें आपके एक्सटेंसर और अबडक्टर्स दोनों की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। दिस इज द फुल ग्रिप, इसमें जो है आपके ये वाले जॉइंट जो है वो फ्लेक्स हैं, सॉरी एक्सटेंडेड है, और थंब जो है वो आपका एक्सटेंडेड है। तो इसमें जो है आपके जो चारों फिंगर्स हैं इनकी फ्लेक्जन एक्सरसाइज या फ्लेक्सर की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, स्पेशली मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट और यहाँ पर इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आप पेशेंट्स में करवा सकते हो। वही बात है, आपको हिस्ट्री लेनी है, असेस करना है कि क्या चीज़ लिमिटेड है, पेशेंट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिस्ट की मूवमेंट्स जो है रिस्ट्रिक्टेड हैं या फिर थंब की हैं या फिंगर्स की हैं, अगर फिंगर्स की हैं तो कौन से जॉइंट की जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, किसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, पीआईपी, डीआईपी या मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट उसकी वजह से आ रहा है या किस वजह से आ रहा है, ठीक है। और रिस्ट में आपको पता है कि जो प्रोनेशन सुपिनेशन इज बेसिकली नॉट अ रिस्ट जॉइंट मूवमेंट। समटाइम ये होता है पेशेंट सुपिनेट प्रोनेट नहीं कर पाता तो हमारा फोकस उस पे, हम रिस्ट जॉइंट पे काम करने शुरू हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोनेशन सुपिनेशन कौन सा जो है वो ज्वाइन करवा रहे हैं। अगर हो सकता है प्रॉक्सिमल पेशेंट के एल्बो पे तो कोई मसला नहीं है, एल्बो पे कोई मसला ना हो, प्रॉक्सिमल रेडियोलर जॉइंट बिल्कुल ठीक हो, लेकिन डिस्टल रेडियोलर जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जिसकी वजह से सुपिनेशन प्रोनेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी। जैसे अभी लॉकिंग की बात की थी तो फिर वो भी देखो तो उसकी आप जो है वो एक्सरसाइजेज या मोबिलाइजेशन करवा, जिसे हमने डॉर्सल और वॉलर ग्लाइड करवाई ऑफ द डिस्टल रेडियल नर्व ज्वाइंट। तो असिस्ट सही से करो तो ट्रीटमेंट करना आसान है, ठीक है।